हेलो एवरीवन, तो इस ड्रामे के स्टार्ट में हमें हमारे मेल लीड को दिखाते हैं जो कि काफी हैंडसम और रिच दिखाई दे रहा था, और उसका नाम क्या है ये तो हमें आगे जाकर पता चलेगा। अब उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि हमारी फीमेल लीड जो कि एक स्ट्रगलिंग लॉयर है उस टाइम पर एक मीटिंग में बैठी हुई होती है अपनी बेस्टी टिंग के साथ। हमारी फीमेल लीड याओ किसी क्लाइंट से मिलने के लिए गई हुई थी, लेकिन वो क्लाइंट और उसका बॉस दोनों ही काफी मीन टाइप के दिखाई दे रहे थे जो कि उनके काम की बजाय गर्ल्स में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे। और तो और क्लाइंट ये भी कह देता है कि जो लोग मेरे साथ ड्रिंक नहीं करते उनके साथ में प्रोफेशनल इश्यूज को भी डिस्कस नहीं करता। ये सब देखने के बाद याओ को काफी बुरा लगता है, लेकिन फिर भी बेचारी सारा कुछ बर्दाश्त करती रहती है। उसी टाइम पर याओ के साथ वाली टेबल पर एक लड़का आकर बैठता है और यही हमारा मेन लीड है। वो काफी हैंडसम दिखाई दे रहा था और उसको एक मिडिल एज की लेडी कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी कि मेरे साथ समय बिताओ, और तो और उसे एक घंटे का 10,000 देने को तैयार थी। ये सब सुनकर याओ और टिंग को ऐसा लगता है कि जैसे ये एक कॉल बॉय है और अपनी स्पेशल सर्विसेज कुछ लोनली लेडीज को देता है। वो लेडी उससे काफी क्लोज होने की भी कोशिश करती है, इवन कि ये भी कहती है कि मेरे साथ खाना खा लो, मैं घंटे का 20,000 दूंगी। लेकिन वो कहता है कि मैं प्रोफेशनल सर्विस के अलावा ये काम नहीं करने वाला, मेरे पास इतना समय ही नहीं। और इतना कहता हुआ वो एटीट्यूड में वहां से निकल जाता है, और वो गर्ल्स बस यही सोचती है कि ये काम करके भी इतने पैसे कमा लेता है, हमसे तो बहुत आगे का है। इतने में वो क्लाइंट याओ को छूने की कोशिश करता है और यहाँ पर उसका सबर जवाब दे जाता है। अब वो उठती है और कहती है कि ऐसी जॉब पर मैं लानत भेजती हूँ, और फिर ड्रिंक उनके मुंह पर थूकती हुई वहां से निकल जाती है। अब वो बाहर पहुंच गई थी, जॉबलेस हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उसे उम्मीद थी कि उसे जहां कहीं और अप्लाई किया है वो फॉर्म जल्द ही उसे हायर कर लेगी। उसी टाइम पर वो लोग देखते हैं वही कॉल बॉय वाला लड़का एक महंगी सी गाड़ी में जा रहा था। वो देखकर हैरान रह जाती है कि इतना कमाता है कि इसने बेंटली रखी हुई है। उनको नहीं लगता था कि कॉल बॉय वाली जॉब में इतना पैसा होगा, लेकिन वो सोचती है चाहे जो भी हो ये खुद को बेचता है, अपनी हैंडसम लुक के थ्रू इतना कमाना ये गलत बात है। अब कुछ दिनों के बाद याओ एक क्यूट सी बिल्डिंग के सामने खड़ी हुई थी। एक जूनहंग ला फॉर्म जो कि बहुत बड़ी थी वहां पर उसे जॉब मिल गई थी, और उसके करीब ही उसने एक अपार्टमेंट भी रेंट पर लिया था। वहीं पर देखती है वो कि वही कॉल बॉय वाला लड़का भी आया हुआ है। वो हैरान रह जाती, इतना कमाता है, इतनी महंगी गाड़ी में फिरता है और इस छोटी सी बिल्डिंग में रहता है। मतलब जब वो स्टेयर्स से जा रही थी तो रास्ते में रुककर सांस लेने लगती है। इतने में वो कॉल बॉय भी वहीं पर ही आ रहा था जो कि उससे रास्ता मांगता है, और वो जैसे ही देखती है कि उसके वाले अपार्टमेंट के सामने खड़ा है तो वो उसे तुरंत ही जाकर रोक देती है और कहती है कि ये अपार्टमेंट मैंने रेंट आउट किया है, और कीज के थ्रू दरवाजा खोलकर और बंद करके उसे दिखाती है। और इतने में वो हैंडसम बॉय अपनी कीज निकालता है और बिल्कुल उसी के ही अंदाज में उसे भी दरवाजा खोल और बंद करके दिखाता है। अब याओ तो बस चाहती थी कि उससे पहले किसी तरह से घर में एंटर हो जाए, लेकिन उसका सूटकेस उसे घर से जरा दूर ही ले जाया जा रहा था। वो दोनों ही एक दूसरे को अपना रेंटिंग कॉन्ट्रैक्ट दिखाते हैं। दोनों ने एक ही डेट पर रेंट आउट किया था, तो इसका मतलब है याओ के माइंड में आता है जो इस घर में पहले एंटर हो जाएगा, जिसका पहले कब्जा होगा वही ये केस जीतेगा। अब वो हर हाल में पहले एंटर होना चाहती थी। यहाँ पर हीरो उसे खींचने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो गेम जीत जाती है ये कह के कि मेरे बाल इस घर में पहले एंटर हुए हैं, अब तुम यहाँ से चलते बनो। अब जब वो घर को चेकआउट कर रही थी और मुड़कर देखती है तो पता चलता है कि कॉल बॉय भी उसी के घर में एंटर हो चुका है। अब वो दोनों ही लैंडलॉर्ड को वहां बुला लेते हैं। लैंडलॉर्ड की एक्चुअली अपनी वाइफ से डिवोर्स होने वाली थी और ये घर उन दोनों का आधा आधा था, उन दोनों को पता ही नहीं था। और एक से वाइफ ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था रेंट देने का और दूसरे से हस्बैंड ने। अब यहाँ पर याओ उसे थ्रेटन करने की कोशिश करती है, कहती है कि मैं जूनहैंग लॉ फर्म में काम करती हूँ और पता है वहाँ मेरा बॉस कौन है? चियाओ हैंग। वो इस शहर का सबसे मशहूर और महंगा लॉयर है, मैं उसकी असिस्टेंट बन रही हूँ। पता है वो मेरे पीछे ऐसे फिरता है कि जैसे मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है, ये तो मैं ही उसे इग्नोर करती हूँ। मैंने एक इशारा किया तो वो तुम पर ऐसे ऐसे केस डालेगा कि तुम फर्श पर आ गिरोगे। और ये बातें सुनते हुए हमारे हीरो की शक्ल देखने वाली थी। अब यहाँ पर लैंडलॉर्ड उन दोनों को समझाने की कोशिश करता है, कहता है कि देखो किस्मत ने तुम दोनों को एक ही घर में रेंट आउट कर दिया है, इसलिए शराफत से आप लोग यूं करो शेयरिंग कर लो। और साथ ही साथ याओ को ये भी कहता है कि प्लीज मुझ पर थोड़ी सी दया करो, मेरी वाइफ और मेरी डिवोर्स होने वाली है, मुझे जल्द ही किसी लॉयर की जरूरत होगी, आई थिंक मैं तुम्हारे पास ही आऊंगा। ये सुनते ही याओ खुश हो जाती है और इतने में वो वहां से भाग नहीं करता है। अब यहाँ पर हमारे हीरो ने अंदाजा लगा लिया था कि याओ एक पुअर सी गर्ल है, और वो उसको एक ऑफर देता है, कहता है कि मुझे 3 दिन इस घर में रहने दो बिना परेशान किए, और इसके बदले मैं तुम्हें 2 महीने का रेंट दूंगा, और 3 दिन के बाद हम आगे की बात करेंगे, तब देखा जाएगा जो भी होगा। और ये कहता हुआ वो वहां से निकल जाता है।
अब उसने उसे पैसे भी पे कर दिए थे, लेकिन थोड़ी देर बाद याओ उसके पास आती है और उसे घर में इकट्ठे रहने के रूल्स भी बताने लगती है। वो कहती है कि इतने अमीर होकर तुम यहाँ क्यों रह रहे हो, वो भी शेयरिंग करके। क्या इसलिए कि यहाँ से तुम्हारी कोई खास यादें जुड़ी हुई हैं? तुमने अपनी पहली कमाई क्या इसी घर में की थी? और फिर उससे कहने लगती है कि यहाँ पर गर्ल्स जाना अलाउड नहीं है, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। और साथ ही साथ उसे भाषण भी देने लगती है, बेशक तुम हैंडसम हो, गुड लुकिंग हो, चार्मिंग हो, लेकिन अगर इसको तुम यूज करोगे पैसे कमाने के लिए तो बूढ़े होकर क्या करोगे, तुम अकेले रह जाओगे और वैसे भी लीगली ये सारा कुछ ठीक नहीं है। कल को अगर तुम्हारा क्रिमिनल रिकॉर्ड निकल आया ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करने पर तो तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। अब ये बातें सुनकर वो हैरान रह जाता है और साथ ही साथ अपना फोन निकाल लेता है और कहता है, बोलो और जितना भी बोलना है, मैं तुम्हारे पर डेफेमेशन का केस कर दूंगा। अब ये सुनते ही वो वहां से भाग जाती है। अब थोड़ी देर बाद वो उसके कमरे में जाकर झांकती है तो पता चलता है कि उसने अपने कमरे को कुछ इस तरह का सेट किया है कि वहां पर किसी इंसान के रहने की कम और आत्मा के रहने की कुछ ज्यादा निशानियां दिखाई दे रही थी। उसे ये भी शक होने लगता है कि कहीं ये लड़का ब्लैक मैजिक तो नहीं करता, उसके कमरे में इस तरह की चीजें थी। अब वो यही सोचने लगती है कि कहीं मुझे इसने बलि तो नहीं करना, शायद ही रात को कोई इवल स्पिरिट्स को ना बुला ले। ये सोचते ही वो डर जाती है और तुरंत ही जाती, यही कहना चाहती थी कि अपने पैसे वापस लो और यहाँ से निकल जाओ, लेकिन यहाँ पर वो उसे फोन पर बातें करते हुए सुनती है। कोई लेडी वीडियो कॉल पर उससे बातें कर रही थी। वो लेडी तो काफी फ्लर्टी टाइप की लग रही थी, लेकिन हमारा हीरो उसे काफी सारे लीगल मशवरे भी देता है और उसका इतना सारा लीगल नॉलेज सुनकर याओ जो कि लॉयर थी वो भी हैरान रह गई थी। इतने में वो तुरंत ही दरवाजा खोलता है और उससे कहता है कि तुम मेरी बातें चोरी चोरी सुन रही थी। याओ कहने लगती है कि देखो तुम मुझे एक भले इंसान लगते हो, तुम्हें तो इतना सारा नॉलेज भी है, तो तुम वो गंदा काम छोड़कर कुछ अच्छा काम करो, क्यों ना जुडिशियल एग्जाम देकर देखो ताकि तुम भी इज्जत की रोटी कमा सको। और उसकी इतनी सारी बकवास सुनने के बाद वो वहां से चला जाता है सीधा वॉशरूम की तरफ। और जैसे ही वो वॉशरूम से निकलता है यहाँ पर याओ वॉशरूम की डिसइंफेक्शन करने लगती है। उसकी ये हरकतें उसे बहुत बॉदर कर रही थी। वो बोलता है सिर्फ डिसइंफेक्शन काफी नहीं है, क्लीनिंग एजेंट पकड़ो और एक एक कोने को चमका के रख दो। इतने में वो अपने कमरे में जाता है तो हमें पता चलता है जब उसके फ्रेंड वो जून की उसे कॉल आती है। एक्चुअली उसका फ्रेंड जून और साथ में हमारा हीरो जिसका नाम चियाओ हैंग है, इन्होंने मिलकर एक लीगल फर्म बनाई थी बहुत सालों पहले और उस फर्म का नाम इन्हीं के नाम पर जून हैंग लॉ फर्म था, जहाँ पर याओ काम करने वाली थी। और अपने बॉस चियाओ हैंग को लेकर जो उसने बड़ी बड़ी बातें की थी वो यही वाला चियाओ था। और एक और बात भी हमें पता चलती है कि एक्चुअली चियाओ के साथ एक प्रॉब्लम है और वो ये है कि उसे रात को नींद नहीं आती और इसीलिए उसने अपने घर में इतनी सारी चीजें लटकाई हुई थी जो कि उसके डिफरेंट फ्रेंड्स ने उसे गिफ्ट की थी ताकि वो एक साउंड स्लीप ले सके। आज भी वो सोने के लिए लेटता है, इतने में बाहर सफाई करते हुए याओ कुछ सॉन्ग गा रही थी और उसका सॉन्ग बिल्कुल लोरी वाला काम करता है और हमारे हीरो को तुरंत ही नींद आ जाती है। सुबह उठता है तो हैरान रह जाता है, उसे लगता है कि नई जगह और इसके साथ साथ इन सारे एम्यूलेट्स का असर है कि मुझे इतनी अच्छी नींद आई बहुत अरसे बाद। लेकिन साथ ही उसका मूड खराब हो जाता है जब वो देखता है कि याओ ने पूरे घर में पार्टीशन कर रखी थी। इतने में याओ अपने नए ऑफिस में पहुंच जाती है जहां पर उसे पता चलता है कि इस लॉ फर्म में दो मेजर पार्टनर्स हैं और वही सारे डिसीजंस करते हैं, एक वो जून और दूसरा चियाओ हैंग। चियाओ हैंग की तो वो असिस्टेंट बनने वाली थी लेकिन मिस्टर चियाओ को फोटोज बनवाना पसंद नहीं था, इसलिए उनके कॉरिडोर में सबकी फोटोज थी सिवाय मिस्टर चियाओ के। अब थोड़ी देर बाद उसका इंट्रोडक्शन होता है अपने कोलीग्स के साथ और यहाँ पर वो ये सुनकर काफी डर भी जाती है जब उसे पता चलता है कि मिस्टर चियाओ जिसकी वो असिस्टेंट बनने वाली है वो छोटी छोटी बात पर अपने असिस्टेंट्स को फायर कर दिया करता है। अब वो यही कह रहे थे कि तुम्हें पता नहीं यहाँ पर हमारे साथ कितने दिन रहना नसीब हो। अब थोड़ी देर बाद वो लोग उसको मिस्टर चियाओ का ऑफिस भी दिखाते हैं जिसमें एक कॉर्नर ऐसा था जहां पर उसकी शील्ड्स पड़ी हुई थी, लेकिन उससे भी ज्यादा इम्प्रेसिव एक और कॉर्नर था जहां पर वो सारे थ्रेटनिंग लेटर्स थे और धमकी वाली चीजें थी जो कि उसे केस छोड़ने के लिए दूसरे लोग भेजा करते थे। किसी ने रबड़ का स्नेक भेजा होता था, किसी ने कोई नाइफ तो किसी ने खोपड़ी, और ये सारी चीजें चियाओ के लिए किसी मेडल से काम नहीं थी। और फिर जब उसके बॉस की एंट्री होती है वो कौन है ये देखते ही बेचारी याओ की बैंड बज जाती है। उसे तो ऐसा लगता है कि जैसे मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई है। मिस्टर चियाओ हैंग वही उसके बॉस थे जिसे वो इतनी देर से भाषण दे रही थी कि कॉल बॉय वाली हरकतें छोड़ दो, और इसीलिए तो चियाओ ने उसे कहा था कि 3 दिन के लिए हम कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स उसके बाद उसे पता चल जाना था कि ये मेरा बॉस है और वो उसे घर से निकालने की हिम्मत भी नहीं कर सकती थी। अब यहाँ पर याओ उसे सॉरी करती है और वो उससे पूछता है कि मेरा ये इमेज तुम्हारे सामने कैसे बना कि तुम मुझे कॉल बॉय समझती थी। वो बताती है कि जब मैं एक रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी तो उसके पीछे आपको मैंने बातें करते हुए सुना था और एक लेडी आपको एक एक घंटे के कितने कितने पैसे ऑफर कर रही थी।
वो गुस्से में आता और कहता है कि वो मेरी मम्मी थी। और बस याओ बेचारी की हालत खराब हो जाती है। अब वो घर जाती और ये सारी कहानी अपनी बेस्टी टिंग को भी सुनाती है। और इतने में वो एक बात से डर जाती है जब उसे चियाओ के कमरे से कुछ आवाजें आती हैं और उसके बाद वहां पर म्यूजिक बजना स्टार्ट हो जाता है। वो अंदर जाकर जब चेक करती है तो म्यूजिक बंद कर देती है। उसे डर भी काफी लग रहा था क्योंकि उसका कमरा बिल्कुल एक हॉन्टेड रूम जैसा था। लेकिन यहाँ पर कुछ बुरा हो जाता है। एक वुडन स्टेल उससे गिर जाता है, गिर के टूट गया था। वो उसे जोड़ने की कोशिश कर रही थी कि इतने में चियाओ भी आ जाता है। और टीवी पर जो ड्रामा चला हुआ था उसमें भी कुछ ऐसा ही था। मेड से कुछ गिरकर टूट जाता है, लेकिन एम्परर वो बहुत बड़े दिल वाला था। वो उसे माफ कर देता है, उसे प्रोटेक्ट करता है। वो उसी की एग्जांपल देने लगती है कि देखो ये कितना हैंडसम, कितना डोमिनेटिंग है, और आप तो उससे भी ज़्यादा हैंडसम है, आपका दिल तो इससे भी बड़ा होगा ना। अब बहुत मुश्किल से चियाओ उसकी बातों को साइड पर करके जैसे ही अपने कमरे में जाता है तो वहीं से ही उसकी चीख की आवाज़ बाहर आती है। और उसके बाद सीन कुछ इस तरह का बदलता है कि याओ अपने सूटकेस समेत उस घर से बाहर निकली हुई थी। वो बहुत कहती है कि सर आप ऐसे नहीं कर सकते, मैंने इस घर को लीगली रेंट किया है। लेकिन वो बोलता है जब मैं तुम्हें फायर करूंगा तो रेंट के पैसे कहाँ से दोगी, निकलो यहाँ से। एक्चुअली वो स्टेल उसने ओवरसीज से मंगवाया था, वो कस्टम मेड था और उसे आने में 5 महीने भी लग गए थे। अब जब याओ बेचारी बाहर अपने सूटकेस पर बैठी टैक्सी का वेट कर रही थी तो वहां पर हमारा मैस्कुलाइन सा हीरो दौड़ता हुआ आता है। उसे लगता था कि मुझे रोकने के लिए आया है, लेकिन वो कहता है तुम्हें टैक्सी नहीं मिली, मैं ऑर्डर कर देता हूँ। और तुरंत ही वहां पर टैक्सी आ जाती है और वो अपनी शक्ल लेकर वहां से गुम हो जाती है। पहले होटल जाती है लेकिन वहां के रेट्स इतने हाई थे कि उसे अचानक से एक आइडिया आता है। उसे पता चला था कि उसके जून हैंक के ऑफिस में एक छोटा सा किचन, जिम, शॉवर रूम, हर चीज़ है ओवरटाइम करने वालों के लिए। वो सोचती है कि नई नई जॉब है, मुझे पैसे बचाने चाहिए, और पैसे बचाने के लिए रात को अपने ऑफिस में चली जाती है। अब वो चियाओ के ही रूम के बाहर खड़ी हुई थी और सोचती है यहाँ पर आने की कौन हिम्मत कर सकता है। अब याओ अपने लिए एक जगह ढूंढ ही लेती है और वो होती है उसके बॉस चियाओ का स्टोर रूम, जहाँ पर उसका सारा रिकॉर्ड पड़ा हुआ था। वो सोचती है कि यहाँ आने की कौन जरूरत कर सकता है। अब वो मजे से वहां पर लेट जाती है, उसे कुछ कैंपिंग का सामान मिल गया था और कुछ फाइल्स को अपना पिलो बना लेती है। अब वो दो फर्श पर लेटी हुई भी बड़े मजे से सो चुकी थी, जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि बेचारा चियाओ वो अभी भी अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। रात के 12 बजने वाले थे लेकिन नींद थी कि दूर दूर तक आ ही नहीं रही थी। इतने में जैसे ही 12 बजते हैं वहां पर क्लॉक का कुकू बोलने लगता है। ये देखते ही उसे काफी गुस्सा आता है कि याओ ने ऐसा क्यों करके रखा, शायद इसी की वजह से मेरी नींद डिस्टर्ब हुई है। जबकि उधर याओ बेचारी को उसने ऐसी कोई बददुआ दी थी कि उसे एक बुरा सा सपना आता है कि जैसे ऑफिस में कोई किलर आया है और वो उसकी जान लेने वाला है। वो सोचने लगती है कि इतनी सारी थ्रेटनिंग अलार्मिंग चीजों के बीच सोऊंगी तो इसी तरह के सपने आएंगे। अब वो पानी पीने के लिए उठती है तो पता चलता है कि वहां पर उसका बॉस चियाओ आधी रात को ऑफिस में आया हुआ है। अब बेचारे को नींद नहीं आ रही थी और फ्लैट ऑफिस के करीब ही था तो वो ऑफिस में आ जाता है अपनी कुछ स्टडीज करने के लिए। उसे शक होता है, लाइट्स ऑन करके इधर उधर तलाश करने की कोशिश करता है लेकिन कोई भी नहीं होता, तो खामोशी से जाकर अपने ऑफिस में बैठ जाता है काम करने के लिए। और याओ भी चुपचाप स्टोर रूम में जाकर सो जाती है। जबकि नेक्स्ट डे हमें दिखाते हैं कि चियाओ एक साइकेट्रिस्ट को मिलने के लिए गया हुआ है, जिसे वो जून ने उसे रिकमेंड किया था। वो साइकेट्रिस्ट तो कम लग रहा था, बल्कि लग रहा था कि उसे खुद साइकी ट्रीटमेंट की जरूरत है। वो यही कह देता है चियाओ को कि एक्चुअली तुम काम का बहुत ज्यादा प्रेशर लेते हो, हर वक्त दौड़ में लगे रहते हो और ये नेवर एंडिंग रेस ही है जिसकी वजह से तुम्हारी नींद इतनी खराब हो गई है। एक्चुअली चियाओ तो साइकेट्रिस्ट के पास आना ही नहीं चाहता था और अब भी कुछ बातों पर उनके आपस में आर्ग्यू हो जाता है। और चियाओ नहीं चाहता था कि उसकी ये बात कहीं आउट हो, वरना उसके क्लाइंट्स और उसके ओपोनेंट्स इसको इस तरह समझेंगे कि शायद उसके साथ कोई साइकोलॉजिकल इशू है। जबकि उधर चियाओ बेचारी को आज अच्छे से नींद नहीं आई थी, जिसकी वजह से वो ऑफिस में भी ज्यादा मन लगा के काम नहीं कर सक रही थी। इतने में उसका बॉस चियाओ भी ऊपर से आ जाता है और यहाँ पर उसका एक कोलीग बॉस से बातें करने लगता है। वो एक केस के बारे में बात कर रहा था और फिर पूछता है कि आप नई जगह शिफ्ट हुए थे, क्या आपने ठीक से रेस्ट किया? लेकिन वो कहता है कि वहां के नेबर बहुत ज्यादा शोर मचाते थे, इसलिए सुकून नहीं आया। लेकिन कुछ भी फिक्र करने की जरूरत नहीं, उस नेबर को मैंने वैसे ही थ्रो आउट कर दिया है। अब उसका इशारा तो ऑफकोर्स याओ की तरफ था।
अब याओ बेचारी अपनी डार्क सर्कल्स को कवर करने की कोशिश कर रही थी जो कि नींद की कमी की वजह से आ गए थे। तो यहाँ पर उसकी कोलीग तान उससे कहती है कि तुम जल्दी आधी हो जाओगी। चियाओ के साथ जो भी असिस्टेंट काम करता उसकी ऐसे ही नींदें उड़ती हैं। अब वो जैसे ही रेस्ट रूम से बाहर निकलती है तो चियाओ उसे देख लेता है कि ये मेकअप करके निकली है। उसके हाथ में ही किट थी। अब वो एक मीटिंग में जाती है और वहाँ पर वो एक नया केस उनसे डिस्कस करता है। ये डिवोर्स से रिलेटेड एक केस था और इस केस पर बाकी के दोनों जो लॉयर्स थे वो बहुत अच्छे अपने अपने मशवरे देते हैं। और जब वो पूछता है याओ से कि तुम इस बारे में क्या कहोगी तो वो कुछ भी नहीं कह पाती क्योंकि जो कुछ उसे पता था वो पहले ही बाकी दोनों लॉयर्स एक्सप्लेन कर चुके थे। वो उससे कहता है कि अगर तुम्हें मेकअप से फुर्सत हो तो थोड़ी सी पढ़ाई भी कर लिया करो। मुझे ऑफिस में वो लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते जो कि ऊपर की सुंदरता पर तवज्जो देते हैं लेकिन अंदर से वो बिल्कुल भी कैपेबल नहीं होते। अगर एक महीने तक तुम्हारी मेंटल कंडीशन यही रही तो मैं तुम्हें फायर करने में देर नहीं करूंगा। अब बेचारी याओ बुरी सी शक्ल बनाकर बाहर आकर बैठी हुई होती है और उसके बाकी तीनों कोलीग्स उन्होंने तो एक ग्रुप भी ओपन कर लिया था और आपस में बैठ लगा रहे थे कि कितने दिन यहाँ पर टिक पाएगी। अब जब याओ सो रही थी तो सुबह ही सुबह उसे कुछ आवाजें आती हैं। आँख खुलती है, सुबह के 5 बजे हुए थे। वो सारा कुछ समेटती है और खुद को रेडी करती हुई ऑफिस में जाती है लेकिन जब देखती है तो हैरान रह जाती है कि वो फर्स्ट वन नहीं है बल्कि उसका बॉस पहले ही वहाँ खड़ा कॉफी बना रहा है। चियाओ जब उससे पूछता है कि टाइम नहीं ऑफिस आने का तो वो तुरंत ही कह देती है अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म। इसी वजह से मैं सबसे पहले आई हूँ और पता है बॉस मैं सबसे ज्यादा मेहनत करूंगी और आप देखना जल्द ही इस ऑफिस में अपनी परमानेंट जगह बनाने में कामयाब हो जाऊंगी। यहाँ पर वो चियाओ के डार्क सर्कल्स पर भी बात करती है और वो बेचारा अब अपने डार्क सर्कल्स देखने के बाद खुद को सनग्लासेस में कवर करने की कोशिश करता है। आज ऑफिस में उसने उसे खुद के रिकॉर्ड रूम से भी निकलते हुए देखा था लेकिन वो बहाना बना देती है कि यहाँ पर मैं कुछ स्टडी करने के लिए गई थी। वेल, अब फाइनली सारे लोग ऑफिस में आ चुके थे और उसके बाद एंट्री होती है एक और कैरेक्टर की और वो था वूजन जो कि थोड़ी वेकेशन के बाद आज दोबारा से अपने ऑफिस में आया था। यहाँ पर सब देख कर बताते कि बेशक ये चियाओ के साथ बराबर का बॉस है लेकिन इसका मिजाज और चियाओ का ऑपोजिट है। वो जन अक्सर लोगों से काफी फ्रेंडली रहता था और तो वो जैसे ही वहां पर याओ को देखता है कि नई असिस्टेंट आई है वो उसे बहुत अच्छे से मिलता है और बेस्ट ऑफ लक भी बोलता है। अब वो तुरंत जाता है चियाओ के ऑफिस में और उससे कहने लगता है कि अपने इस इंसोमनिया का इलाज कराओ और उससे कहता है कि बात मानो इसका इलाज साइकेट्रिस्ट के पास ही है, कब तक तुम ऐसे ही डार्क सर्कल्स को छुपाने के लिए शेड्स लगाकर फिरते रहोगे। जबकि चियाओ उससे क्वेश्चन करने लगता है और कहता है कि मेरी असिस्टेंट चेंग जाओ ये तुमने ही हायर करी है ना, मुझे सब पता चल गया है इसकी वजह क्या है। ये कोई इतनी अमेजिंग तो नहीं है ना, इसका रिकॉर्ड इतना खास है, इसे तुमने इसलिए हायर किया है ना क्योंकि इसका सरनेम भी चेंग है और तुम्हारी यूनिवर्सिटी की क्रश उसका सरनेम भी चेंग था, कहीं उसी की सिस्टर तो नहीं। अब ये सुनते ही वो जन तो कल्टी मारता हुआ वहां से निकल जाता है। अब बेचारी याओ रात को बैठी हुई थी कि कब मेरा बॉस जाएगा और उसके बाद मैं यहाँ पर आराम से सो सकूंगी, लेकिन बॉस था कि ओवर टाइम करने में लगा हुआ था। वो सोचती है कि कितना अमेजिंग इंसान है, इतनी लेट नाइट काम करता है और सुबह सबसे पहले आ जाता है, शायद इसी कामयाबी का राज भी यही है लेकिन कोई इसे बताए कि नींद की कमी की वजह से लोग मर भी जाते हैं। चियाओ भी उसे नोटिस करता है और उसके बाद खामोशी से अपना सामान समेटता हुआ वहां से निकल जाता है। अब उसके जाने के बाद याओ अपना बेड सेट करती है और उसे सोने में 5 मिनट भी नहीं लगे थे। अब इतने में चियाओ वापस ऑफिस में आता है। एक्चुअली याओ पर शक हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। वो जब जाकर अपना स्टोर रूम चेक करता है तो वहां पर वो बहुत मजे से अपना सेटअप लगाकर सो रही थी। वो उसे आवाजें देता है, बड़ी देर से वो जागती है और काफी डर भी जाती है। अब वो अपने बॉस की मिन्नतें करने पर लगी हुई थी कि प्लीज बॉस मुझ पर थोड़ी सी दया खाएं, मुझे 2 दिन यहाँ पर रहने दे, मैं अपने रहने के लिए कोई ना कोई जगह रेंट आउट कर लूंगी, होटल में जा नहीं सकती थी, इतने जेब में पैसे नहीं थे। और साथ ही साथ उसकी तारीफ भी करती है कि सर मैं आपसे बहुत इम्प्रेस हूँ, आप दिन रात काम करते हैं, क्या आपको नींद नहीं आती, आप कितने अमेजिंग इंसान है, शायद कम नींद लेना जीनियस लोगों की आदत होती है, जो सोने के लिए तड़प रहा था यस यस करता रहता है। और फिर जाते जाते उसे माफ तो कर देता है पर इतना जरूर पूछता है कि तुम्हें इस तरह से फर्श पर लेटे नींद कैसे आ जाती है। वो कहती है सोना कौन सी रॉकेट साइंस है, लेटो आंखें बंद करो और नींद आ जाती है। अब एक तरफ चियाओ अपनी असिस्टेंट से इम्प्रेस था कि उसे कितनी जल्दी नींद आ जाती है, जबकि दूसरी तरफ याओ अपने बॉस से इम्प्रेस थी कि इसे नींद ही नहीं आती, ये कितना काम करता है इसीलिए तो इतना सक्सेसफुल है। वेल, अब नेक्स्ट मॉर्निंग याओ सुबह ही सुबह उठ जाती है और अपने लिए एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट बनाती है। ऑफिस में किचन में था और इसके साथ साथ आज बारिश भी हो रही थी, मौसम बहुत सुहाना लग रहा था। अब वो कॉफी साथ लिए बहुत अच्छे से लॉज को याद कर रही थी मजे ले लेके कि इतने में ऊपर से चियाओ आ जाता है। वो उससे कहता है कि डिवोर्स के लॉज याद कर रही और फेस पे इतनी अच्छी स्माइल है, तो वो कहती है
कि मुझे किसी ने कहा था, जो भी काम करो मन लगा के किया करो। अब यहाँ पर वो उसका दिल जीतने के लिए उसकी खिदमतें करने की कोशिश करती है, लेकिन चियाओ उसके पहले बॉसेस से बहुत डिफरेंट था। वो कहता है कि मेरे सामने नंबर बनाने के लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, तुम एक लड़की हो तो क्या ये फ़र्ज़ है कि तुम ही सबके लिए कॉफ़ी बनाओगी, सबकी हेल्प करोगी। मेरी नज़र में मैन एंड वीमेन दोनों इक्वल हैं। यहाँ पर ऑफिस में तुम किसी भी मैन से काम नहीं। आज जाओ ने अपने एक कोलीग की जगह आउट ऑफ स्टेशन काम करने के लिए जाना था, इसलिए ऑफिस से बाहर जाती है। जब वापस आती है तो छुट्टी का टाइम हो चुका था, सब लोग जा चुके थे, लेकिन ऑफिस में शॉर्ट सर्किट की वजह से लाइट थी ही नहीं। अब वो जाकर देखती है तो पानी भी नहीं था। वो बहुत परेशान हो जाती है, चियाओ से हेल्प के लिए कहती है कि प्लीज शॉर्ट सर्किट चेक कर दो, और फिर उसे लिफ्ट भी मांगती है कि प्लीज मुझे किसी होटल तक ही छोड़ दो, मैं एक हॉट बाथ लेना चाहती हूँ, यहाँ बहुत सर्दी है। वो उसे इग्नोर करता हुआ वहां से निकल जाता है। बाहर जाकर उसे पता नहीं क्या ख्याल आता है कि थोड़ी देर बाद वो दोबारा से ऑफिस में आता है। उसे उस बेचारी पर दया आ गई थी, और फिर वो उसे कहता है कि ठीक है तुम आधे घंटे के लिए मेरा वॉशरूम यूज कर सकती हो, और उसे अपने साथ घर ले जाता है। घर बिल्कुल वैसा का वैसा ही था जैसा याओ छोड़ कर गई थी। अब वो फ्रेश होने के बाद वहां पर नोट रख कर जा रही थी कि थैंक यू बॉस मुझे वॉशरूम यूज करने देने के लिए। इतने में वो देखती है तो उसे लगता है इसने कभी कुकिंग नहीं करी, उसकी कुकिंग स्किल्स उसे लगता था कि बहुत जबरदस्त है। वो सोचती है कि क्यों ना बॉस के लिए कुछ बनाती जाऊं। अब वो वहां पर कुकिंग करने लगती है, थोड़ा बहुत शोर भी करती है, और उसके बाद वही सिंगिंग करने लगती है, और उसकी सिंगिंग आज फिर से चियाओ के लिए बिल्कुल लोरी वाला काम करती है, और उसे तुरंत ही नींद आ जाती है। जब आंख खुलती है तो सुबह हो गई थी। वो इतना हैरान होता है कि आज फिर मुझे नींद आ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही वो उठता है अपने लिविंग एरिया में आकर देखता है तो वही भरी उसके सोफे पर बेचारी याओ थक हार के सो चुकी थी। वो डर के मारे उसकी आवाज से उठ बैठती है और उसे सॉरी करने लगती है, कहती है कि मैं तो यहाँ से जाने वाली थी पर पता नहीं क्या हुआ, जैसे ही सोफे पर बैठी मुझे बारिश की और हवा की आवाज आई और इसके साथ ही नींद आ गई। चियान हैरान रह जाता है और पूछता है कि भला बारिश की बूंदों से भी किसी को नींद आ सकती है। वो बोलती है ऐसा ही तो है, ये एक ही फ्रीक्वेंसी में गिरती है, ये भी एक साइंस है। वेल वो वापस अपने बॉस की मूड में आ जाता है और तुरंत ही उसे ऑफिस जाने का ऑर्डर कर देता है। अब वो ऑफिस पहुंचती है तो उसे एक केस की फाइल मिलती है, उसे भी एक केस में एंटर करा लिया गया था। इस बात की खुशी उसे बहुत थी क्योंकि उसने बहुत दिनों से हार्ड वर्क किया था और अब फाइनली वो लोग भी उसको एक्सेप्ट करने लगे थे, और जो तीन लोगों का ग्रुप बना हुआ था उन्होंने चौथा मेंबर हमारी याओ को भी ऐड कर लिया था। जबकि चियान नेक्स्ट डे जब अपने घर जाता है तो अपने फोन पर बारिश की आवाज और विंड की आवाज लगा कर रख देता है। उसे लगा था कि शायद कल मुझे इसी वजह से नींद आई होगी, लेकिन जब काफी देर तक उसे नींद नहीं आती तो जाकर किचन में बर्तन खटकाने लग जाता है। अब उसे शक था कि शायद मुझे नींद आती है घर के कामों के शोर की वजह से, यही आवाज मेरे लिए फिट रहेगी। अब वो एक हाउसकीपिंग कंपनी को कॉल करता है और अपने लिए एक हाउसकीपर ऑर्डर करा लेता है। अब वो बार बार उस आंटी को कह रहा था कि आप ऊंची ऊंची आवाज में सारे काम करें, खटखट मचाएं, लेकिन क्या करता, फिर भी बेचारे को नींद ही नहीं आ रही थी। अब वो उल्टे सीधे ऑर्डर्स किए जा रहा था और इन दिन आंटी अपना एप्रन उतार के फेंक देती है कि मुझे यहाँ और काम नहीं करना, मुझे लगता है तुम्हें एक साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। अब उसके बाद बेचारा नींद की गोलियां भी खा लेता है, लेकिन फिर भी नींद नहीं आई थी, लेकिन बार बार याओ की बातें जरूर याद आ रही थी। जब इतनी देर तक वो सो नहीं पाता तो उठता है और दोबारा से घर से बाहर निकल जाता है। एक स्टोर पर स्टोर कीपर को सोए हुए देखता है तो उसे याओ की बात याद आती है, जिसे कहीं पर भी किसी भी जगह पर अचानक से नींद आ जाती थी। वो सोचने लगता है कि ये कैसी क्रिएचर्स है। अब स्लीपिंग पिल्स की वजह से उसको नींद तो नहीं आई थी, लेकिन हर जगह हेलुसिनेशंस हो रही थी। हर सोए हुए आदमी में उसे बस याओ का ही फेस दिखाई देता था। अब वो अपने ऑफिस में पहुंचता है, वहां पर देखता है तो याओ बैठी अभी तक अपना काम कर रही थी। वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करती थी आजकल। वो उसके पास जाता है और ये चेक करने के लिए कि ये रियल याओ है या फिर मेरी हेलुसिनेशन। वो उसको एक दफा पिंच करता है चीक्स पर, और अब की दफा तो रियल वाली थी। अब वो थोड़ा सा एम्बेरस होता है और कहता है कि तुम्हारे लिए मैं कोल्ड की मेडिसिन लेकर आया हूँ, कहीं गलत में ठंड ना लग गई हो। ये देखते ही वो सोचने लगती है कि बेशक मेरा बॉस जितना भी पॉइजनस है, लेकिन इसका दिल अंदर से बहुत नरम है। अब थोड़ी देर बाद याओ को वहां पर भूख लगने लगती है। वो अपने लिए नूडल्स बना रही थी और बनाने के साथ साथ वो वही वाला सॉन्ग गाने लगती है, और जैसे वो सॉन्ग हमेशा की तरह से लोरी का काम करता था, आज फिर से हमारे हीरो को वो सुनते ही नींद आने लगती है। वो बहुत डिस्ट्रैक्ट होता है और उसके बाद अपना टैब बंद करता है, बस सोफे पर लेटता है तो आज तो सबसे बड़ा मिरेकल हो गया था, बिना बेड के ही उसको नींद आ गई थी। और फिर पता नहीं कब सुबह हो गई, उसे तो कुछ पता ही नहीं चला। नेक्स्ट मॉर्निंग हमें दिखाते हैं कि बहुत से कुलीग्स इस रेयर से नजारे को एंजॉय कर रहे थे कि उनका बॉस कान से थक कर अपने सोफे पर ही सो गया है। उन्होंने आज से पहले कभी भी इसे सोते हुए नहीं देखा था।
वो अक्सर रात रात को ओवरटाइम करता था, लेकिन फिर भी ऐसे स्लिप ही कभी नहीं हुआ था। वो लोग तो इस रेयर एडवेंचर की फोटो भी लेने लगते हैं, और फिर वो जो उनको भी दिखाते हैं कि पता नहीं ये नज़ारा फिर देखने को मिले ना मिले। और आज वो जो उनको एक आइडिया आया था, वो सारे कोलीग्स को कहता है कि आज मैं सबके लिए एक पार्टी अरेंज करने वाला हूँ। कुछ नए कोलीग्स आए हैं उनको वेलकम करने के लिए, और उन्हीं में से एक हमारी हीरोइन याओ भी थी। वो याओ के पास आता है और कहता है अब जैसा कि ये पार्टी नए कोलीग्स के लिए है, तो नए कोलीग्स अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स को भी बुला सकते हैं। मैंने सुना है तुम्हारी रेज्यूमे में कि तुम्हारी एक सिस्टर भी है, तुम चाहो तो उसे इन्वाइट कर सकती हो। और उसके बाद वो जुन जाता है चियान के पास और उससे कहने लगता है कि ये कौन इंसान है मेरे अलावा जिसने तुम्हारे इस इंसोम्निया का इलाज किया है, मैं बहुत क्यूरियस हूँ उसके बारे में जानने के लिए। अब चियान को शक तो हो चुका था कि आखिर कोई ना कोई तो बात है, ये सिर्फ याओ ही है जो मुझे सुलाने में हेल्प कर सकती है। वो आज सोचता है कि क्यों ना इसी बारे में उससे डिस्कशन की जाए, उसे हायर कर लूं इसी काम के लिए। वो उसे तुरंत ही मैसेज करता है कि अभी के अभी आओ, मैंने ऑफिस में तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। लेकिन वो तो लंच करने के लिए पास की रावैन शॉप पर गई हुई थी। उसने स्टेटस पर भी उसी शॉप के बारे में लगाया हुआ था कि वहां के रावैन बहुत अच्छे हैं, और तो और वहाँ का मेन्यू भी अपने स्टेटस पर लगाने लगती है। इतने में वो देखती है तो उसका एक पुराना फ्रेंड उसे मिल जाता है, जो कि मौके का फायदा उठाने लगता है। वो कहता है कि तुम लॉयर हो, और उससे फ्री में बहुत सारे मशवरे लेने की कोशिश कर रहा था फाइनेंशियल इश्यूज से रिलेटेड। और इतने में ऊपर से आ जाता है उसका बॉस चियान, जो कि कहने लगता है कि ये एक डिवोर्स लॉयर है और ये फैमिली इश्यूज पर ही हैंडल करती है, इसलिए अगर तुमने डिवोर्स करानी हो तब इससे मशवरा ले लेना, मैं डिस्काउंट करा दूंगा। लेकिन इस तरह से फाइनेंशियल इश्यूज पर फ्री में इससे मशवरा लोगे तो हम तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करने वाले। अब वो फ्रेंड तो वहां से चला गया था, जबकि चियान आकर बैठ जाता है याओ के सामने और उसे कहता है कि तुमने ही तो मुझे यहाँ पर इनवाइट किया है। तो उसे पता चलता है कि जो मेन्यू उसने लगाया था वो स्टेटस पर नहीं लगाया था, बल्कि गलती से चियान के मैसेज के रिप्लाई में ही सेंड कर दिया था। अब वो बहुत नखरे से उसे एक ऑफर देने लगता है, कहता है कि तुम्हें हार्ड वर्क करना चाहिए और हाँ, बहुत अच्छे अच्छे लॉयर्स की कंपनी में भी रहना चाहिए, ताकि तुम्हारा ब्रेन भी उसी तरह से ट्रेन होता रहे। और हाँ, मैं तुम्हें ये कह सकता हूँ कि तुम उस घर में वापस आ सकती हो और मेरी लाइफ असिस्टेंट भी बन सकती हो ऑफिस में असिस्टेंट के साथ साथ। लाइफ असिस्टेंट का वो मतलब नहीं समझी थी, तो वो कहता है कि मेरी डेली लाइफ के जो भी काम है वो भी तुम हैंडल कर सकती हो, जैसा कि सफाई करना, खाना पकाना, इसकी मैं तुम्हें अलग से पे दूंगा। और हाँ, आज जल्दी घर आ जाना, मेरा सीवर ब्लॉक हुआ है, वो भी तुमने ही आकर खोलना है। वो बेचारी सोचने लगती है कि अब ये काम भी मुझे करने पड़ेंगे। अब शाम को वो घर आती है उसका पाइप क्लॉगिंग खत्म करने के बाद। वो कहती है कि आज ऑफिस की तरफ से एक पार्टी है, यहाँ पर कुछ मेरे कपड़े रह गए थे, मैं वो ड्रेस चेंज करके तुरंत ही यहाँ से चली जाऊंगी। लेकिन जब कमरे में जाकर देखती है तो उसका वो सूटकेस जो अपने साथ वो कंपनी में लेकर गई थी वो वापस पहुंचा हुआ था। एक्चुअली ये चियान ही लेकर आया था, वो कहता है किसी दिन पकड़ी जाओगी इसलिए मैं ये वापस ले आया। अब याओ को तो यही लगा था कि इसने मुझे सिर्फ घर के कामों के लिए हायर किया है, लेकिन ये सुनकर तो वो हैरान रह जाती कि ये मुझे यहाँ पर वापस रहने की भी इजाजत दे रहा है। वो इतनी शॉक में चली जाती है कि तुरंत ही अपनी बेस्टी टिंग को कॉल करती है, उसे यही गुड न्यूज देने लगती है। लेकिन टिंग उससे कहती है कि इसमें तुम्हारे लिए खतरे वाली घंटी है, तुमने खुद ही तो बताया था कि तुम्हारे इस बॉस के बहुत सारे जानी दुश्मन हैं और बहुत दफा इसे लाइफ थ्रेटनिंग मैसेजेस भी आए हैं, तो किसी दिन ऐसा ना हो कि कोई इसे खत्म करने आए और तुम्हें उसकी असिस्टेंट समझकर पहले ही रास्ते से हटा दे, कहीं इसके हिस्से की गोली तुम न खा लेना, इसके साथ रहना बहुत खतरा है। अब ये बात सुनकर याओ काफी डर गई थी, और तो और उसकी फ्रेंड ने 2-3 केसेस की एग्जाम्पल भी उसे दे दी थी। अब ये सुनते ही वो तुरंत ही वहाँ से भाग नहीं करती है, और चियान तो ये देखकर हैरान रह गया था। और फिर हमें दिखाते हैं कि वो जो ने तो वो पार्टी रखवाई ही एक्चुअली चंगशी के लिए थी, जो कि याओ की सिस्टर थी। वो उससे पूछने लगता है कि तुमने अपने घर से किसी को नहीं बुलाया, तो वो कहती है ओहो हाँ, सिस्टर को बुलाना था लेकिन मैं भूल गई। तो वो कहने लगता है ठीक है, तुम मुझे उसका नंबर शेयर कर दो, अगर तुम्हारे पेरेंट्स को या फैमिली को आइंदा बुलाना हो या कोई भी इमरजेंसी हो तो मैं उनसे कॉन्टेक्ट डायरेक्टली भी कर सकता हूँ। और अब इस तरह से उसने उसकी सिस्टर का वीचैट नंबर हासिल कर लिया था। अब जैसे ही वो चंगशी की प्रोफाइल देखता है तो उसे पुरानी यादें आने लगती हैं, वो नॉस्टैल्जिक हो जाता है, तुरंत ही उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है जो कि उसने एक्सेप्ट कर ली थी। अब वो जो उनकी खुशी देखने वाली थी, वो सारे एम्प्लॉयज को इकट्ठा करता है, 2-4 फोटोज बनवाता है और उसके बाद वहां से भाग नहीं करता है, क्योंकि उसका जो मकसद था वो पूरा हो चुका। उधर चियान के अब सोने का टाइम हो चुका था, वो सोचने लगता है कि ये लड़की अभी तक वापस क्यों नहीं लौटी, ये नहीं वापस आई तो मुझे सुलाएगा कौन। वो तुरंत ही उसे कॉल करता है और बहाना बनाता है कि तुमने कैसे पाइप खोला था, दोबारा से ब्लॉक हो गया है। लेकिन वो ढक से कॉल बंद करती है और कहती है कि इस बारे में लैंडलॉर्ड को कॉल करो। अब चियान के पास और कोई चांस नहीं था, और उसी पार्टी में पहुंच जाता है जहां पर याओ आई हुई थी।
यहाँ पर चियान देखता है कि एक लॉयर यहाँ उसे बहुत क्लोज होने की कोशिश कर रहा था, उसे बहुत इम्प्रेस कर रहा था। तो वो आता है जेलस होकर और उस लॉयर के सारा रिकॉर्ड उसके सामने रख देता है, बहुत ही कम केसेस थे जो वो बेचारा जीत पाया था। और अब जो बड़ी बड़ी बड़के मार रहा था वो सब पानी में मिल जाती है। वेल, यहाँ पर इंटेंस माहौल को एकदम नॉर्मल करने के लिए वो लोग कहते हैं कि क्यों ना हम ट्रूथ और डेयर खेलें। अब यहाँ पर चियान जो खड़ा था वो कहता है कि हाँ बहुत मजा आएगा खेलने का, लेकिन ट्रूथ और डेयर में हम सिर्फ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो कि लॉ के टर्म्स के क्वेश्चंस होंगे। अब ये सुनकर बेचारों की हालत खराब हो जाती है, लेकिन ऊपर से उन्हें हंसना भी पड़ता है और बॉस को ना कौन कर सकता था। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा जूनियर तो याओ ही थी। याओ पर जब भी कोई क्वेश्चन आता था या तो उसे पैसे देने पड़ते थे या फिर ड्रिंक करना पड़ता था, क्योंकि वो इतनी एक्सपीरियंस्ड नहीं थी और सारे मुश्किल सवालों के जवाब तो वो गलत ही देती थी। अब इन दी एंड बेचारी याओ बहुत ज्यादा ड्रंक हो गई थी। डान उसे घर ले जाना चाहती थी, लेकिन चियान वॉलंटियरली कहता है कोई बात नहीं, इसे मैं संभाल लूंगा, मैं ड्रॉप कर दूंगा। अब वो उसे किसी तरह से घसीटता हुआ अपनी गाड़ी तक लेकर जाता है। वो ड्रग होकर उल्टी सीधी बातें करती रहती है। अब यहाँ पर एक दफा चियान गाड़ी रोकता है, उसे बहुत कहता है कि अंदर वॉमिट ना करना, लेकिन बेचारी की वॉमिट सीधी अपने कपड़ों पर उसकी गाड़ी गंदा कर देती है। तो अब अपनी फेवरेट गाड़ी इतनी गंदी देखकर चियान को इतना गुस्सा आया था कि वो अपनी जैकेट उतारता है, उसे अपने हाथों पर ग्लव्स की तरह से यूज करता है और फिर याओ को खींचता हुआ एक बॉक्स के अंदर फेंक देता है। अब उसने जैसे ही अपना कैमरा निकाला था तो याओ आगे से पोज करने लगती है, इस तरह से जैसे अपनी कोई फोटो बनवा रही हो। लेकिन चियान ये सब इसलिए कर रहा था क्योंकि वो उससे एक ओरल कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता था और यहाँ पर वो ड्रंक थी उसका फायदा उठाता है। उससे कहता है तूने मेरी गाड़ी गंदी की है और इसके बदले तू मेरी लाइफ असिस्टेंट बन के रहोगी, और सारी टर्म्स और कंडीशन सारी अपनी पसंद की बता देता है। बेचारी क्या करती याओ, उसे तो होश ही नहीं था अपनी हालत का, चुपचाप पड़ी रहती है। और फिर उसके बाद वो एक डिलीवरी बॉय को बुलाता है और कहता है कि ये बॉक्स इस लड़की समेत मेरे घर तक पहुंचा दो, मेरी गाड़ी का पीछा करो। और फिर वो बॉक्स उसके घर तक डिलीवर हो चुका था, लेकिन बॉक्स से निकलती निकलती याओ गिर जाती है सीधा चियान के ऊपर ही, और फिर वो उसके बहुत क्लोज हो गई थी। अब वो उसका हैंडसम सा फेस इतनी क्लोजनेस से देख रही थी, और सिर्फ देखने तक होता तो और बात थी, वो तो उसके फेस को छेड़ने भी लगती है। यहाँ पर चियान की बस हो गई थी, वो उसे नीचे गिरा देता है और कहता है कि मैं तुम्हारी सैलरी काट लूंगा इतनी गुस्ताखी के बदले। अब जब नेक्स्ट मॉर्निंग वो उठती है तो वो उसे याद कराता है कि तुमने कल कितनी बकबक की थी, मेरी नेचुरल ब्यूटी है और तुमने कहा था कि मैंने प्लास्टिक सर्जरी कराई है, अब तुम्हें मेरी इंसल्ट का भी बदला देना पड़ेगा और जो जो कल मेरा नुकसान किया है उसका भी। वो तो पूरी एक लिस्ट भी बनाकर बैठा हुआ था और उसने इतना लंबा चौड़ा बिल बनाया था कि जो देखते ही वो हैरान रह जाती है, इवन कि उसमें डिलीवरी चार्जेस भी डाले हुए थे। और तो उसने अपना खुद का टाइम जितना भी उस पर वेस्ट किया था उसके भी चार्जेस से मांग लिए थे। साथ ही साथ उसे वो वीडियो भी दिखाता है जो कि उसने एक्चुअली उसको ब्लैकमेल करने के लिए ही बनाई थी। अब बेचारी की तो बैंड ही बज जाती है, वो कहने लगती है कि सर प्लीज इंस्टॉलमेंट में कर दें। लेकिन ऑफ कोर्स हमारे हीरो के पास प्लान बी रेडी था जो कि वो एक्चुअली चाहता था। वो कहता है ठीक है एक शर्त पर, ये सब कुछ मैं माफ कर दूंगा कि अगर हम इकट्ठे रहें और तुम मेरी लाइफ असिस्टेंट बनकर मेरे सारे काम करो, यहीं पर ही मूव इन कर जाओ, तुम यहीं रहोगी अब से, और मैं जो ऑर्डर करूंगा तुम्हें तभी खाना पकाना पड़ेगा, सफाई करनी पड़ेगी। अब ना चाहते हुए भी उसे अपने बॉस के बनाए हुए 248 रूल्स के अकॉर्डिंग ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। अब याओ वहां पर शिफ्ट तो हो गई थी और साथ ही साथ उसने अपनी सुरक्षा के लिए बहुत सारे आर्म्स भी अपने पास रखे हुए थे। एक सिक्योरिटी कैमरा जब वो उसके हाथ में देखता है तो चियान पूछने लगता है ये किस लिए, वो कहती है खुद को सेफ रखने के लिए। एक्चुअली वो तो खुद को सेफ रख रही थी कि अगर कोई उसके बॉस को मारने आया तो कहीं वो बेचारी ना मारी जाए, लेकिन यहाँ पर चियान उससे कहने लगता है कि बेशक हम एक छत तले रहते हैं लेकिन मैं तुम्हें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं, इसलिए उल्टी सीधी बातें मत सोचना। अब रात को वो उसे कह देता है खाना बनाने को क्योंकि एक्चुअली वो तो सोना चाहता था और चाहता था कि वो शोर करे और इतने में उसे नींद आ जाए, लेकिन वो तो खाना ऑर्डर कर देती है, उसका मूड नहीं था। अब वो बेचारा लेटा वेट कर रहा था कि कब इसकी कुकिंग की आवाजें आए और मुझे मजे की नींद आ जाए, लेकिन खाना तो रेडी पड़ा था। अब ये देखते ही चियान का मूड खराब हो जाता है और वो कहता है कि ये सब रैप अप करो और मेरे लिए खाना बनाना स्टार्ट करो। लेकिन अब की बार जब वो कुकिंग कर रही थी उसे फिर से नींद नहीं आई थी क्योंकि आज की दफा उसने वो गाना नहीं गाया था।
अब वो फिर से उसे तंग करने के लिए आ जाता है और कहता है कुछ और कुक करो जो तुमने उस रात को बनाया था। अब वो दोबारा से कुकिंग करके तैयार करके खाना रख देती है, लेकिन बॉस वो तो खुद अंदर हैरान परेशान पड़ा था कि आज इसकी कुकिंग के शोर से मुझे नींद क्यों नहीं आई। जबकि बाहर याओ का मूड खराब हो जाता है कि मेरे से पूरी टेबल भर खाना बनवा लिया लेकिन खुद ये टाइम से ही सो गया है। और बेचारी याओ का खाना खा खा के रात को बुरा हाल हुआ था। आज ऑफिस में भी उसकी बार बार वॉशरूम की तरफ दौड़े लगती रही थी। और यहाँ पर चियान भी उसे ऑब्जर्व कर रहा था, वो जून भी उसके साथ था। वो जून उससे कहता है कि लड़की इसे तुमने ज्यादा तंग नहीं करना, एटलीस्ट तब तक जब तक मैं और चेंगशी क्लोज नहीं आ जाते। मेरी लव लाइफ ने मुझे दूसरी दफा मौका दिया है, प्लीज इसे तुम अपनी हरकतों की वजह से रुइन ना करना। इसकी बहन को जितना खुश रख सकते हो उतना रखना। और तो और वो जून वहां से जाता जाता याओ के पास आता है और कहता है कि अगर तुम्हें बहुत ज्यादा तंग करे या फिर कुछ भी ऐसा हो जिसकी तुम्हें कंपनसेशन चाहिए तो मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन बस इसे सीक्रेट रखना। और ये सुनकर याओ भी हैरान थी कि दोनों बॉसेस एक दूसरे से पोलर ऑपोजिट हैं। अब शाम को छुट्टी के टाइम पर याओ देखती है चियान को दो लोग पकड़ कर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। उसे ऐसा लगता है कि जैसे किसी केस की वजह से ये दुश्मनी निकाल रहे हैं, उसे किडनैप कर रहे हैं। वो भागती हुई आती है बिल्कुल सुपर हीरो बनके और उन पर पेपर स्प्रे कर देती है। अब चियान उसे पकड़कर होश में लाता है और कहता है अपनी हीरोपंती बंद करो, ये दोनों मेरी मम्मी के बॉडीगार्ड्स हैं और मुझे घर ले जाने के लिए आए थे। अब नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि चियान अपने फैमिली हाउस में पहुंचा हुआ था, जहाँ पर उसकी मम्मी बेचैनी से उसका वेट कर रही थी और उनका नाटक अपनी फुल पीक पर था। वो ऐसे बीमार होकर लेटी हुई थी कि जैसे उनकी आखिरी सांसें चल रही हूँ, लेकिन मेकअप ज्वेलरी सारा कुछ परफेक्ट था। और वो उसे यही कहती है कि जब मैं मर जाऊँ तो मेरी ये आंखें, मेरे बॉडी पार्ट्स सब कुछ दान कर देना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेरे पास ज्यादा समय बचा है। और उसकी मम्मी और भी बहुत सारी ओवर एक्टिंग करती है, जो कि सारी चियान अच्छे से पहचान जाता है। वो एक्चुअली अपने बेटे के साथ ज्यादा समय बिताना चाहती थी और उसके मम्मी डैडी की यही विश थी कि वो अपनी लॉ फर्म छोड़े और आकर फैमिली बिजनेस संभाले, लेकिन इस बात पर चियान कभी भी नहीं मानता था। और आज भी वो अपने मम्मी डैडी को निराश ही छोड़कर चला जाता है और मम्मी की ओवर एक्टिंग भी किसी काम नहीं आई थी। और फिर हमें वो जून को दिखाते हैं जो कि अपने पुराने समय याद करने लगता है, जब उसकी मुलाकात चेंगशी से हुई थी। वो दोनों एक ही कॉलेज में थे और यहाँ पर उसका दिल आ गया था चेंगशी पर। वो जब जॉगिंग करती थी तो इतनी अच्छी उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ थी कि बेचारा उसके पीछे भागते भागते अक्सर गिर जाया करता था। और एक दफा तो वो उसे उठाकर हॉस्पिटल भी लेकर गई थी। उसे डिहाइड्रेशन हो गई थी और उसका शुगर लेवल भी लो था, तो वो उसको एक चॉकलेट भी देकर गई थी और वो चॉकलेट ब्रांड उसे आज भी सबसे फेवरेट रहा था। उसने चेंगशी से रिक्वेस्ट की थी इकट्ठे डिनर पर चलने के लिए, जो कि चेंगशी ने मान ली थी। और इसी के लिए वो बहुत एक्साइटेड था, अपनी स्किन केयर भी कर रहा था और साथ ही साथ अपने लिए एक जबरदस्त ड्रेस भी चूज कर रहा था। वो यही सोच रहा था प्रोफेशन बहुत हो गया, अब आई थिंक अपनी लव लाइफ को टाइम देने का समय आ चुका है। अब यहाँ पर हमें एक बात पता चलती है, चियान अपने एक फ्रेंड का बहाना करके मशवरा लेने लगता है वो जून से। कहता है कि वो घर किसी से शेयर करता था, नॉइसी होने की वजह से उसने रूममेट को निकाल बाहर किया, किसी वजह से वापस लाना पड़ा, लेकिन अब वो फिर से उसे नॉइसी लग रहा है और वो उसे दोबारा से निकालना चाहता है। यहाँ पर वो जून कहता है आई थिंक प्रॉब्लम उस नेबर या रूममेट के साथ नहीं है, तुम्हारे फ्रेंड के साथ है, इसलिए उससे कहो कि अपना माइंड ठीक करे। अब चियान जैसे ही घर वापस लौटता है तो वो देखता है कि याओ ने पहले ही डिनर प्रिपेयर किया हुआ है, इतनी सारी डिशेस बनाई थी। वो हैरान रह जाता है, लेकिन साथ ही साथ उसे गुस्सा भी आता है। वो कहता है कि ओवर एफिशिएंट बनने की कोई जरूरत नहीं, जब मैं ऑर्डर करूंगा उस वक्त तुम्हें खाना बनाना है, अगर तुमने ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश की तो मैं तुम्हें निकाल बाहर करूंगा। जबकि उधर हमें वो जून को दिखाते हैं, वो एक जगह पर ग्रोसरी स्टोर पर गया हुआ था कि यहाँ पर उसका फोन नीचे गिर जाता है किसी के टकराने की वजह से, और जो लड़की वो फोन उसे उठा कर लेती उसकी क्रश चेंगशी थी। अब वो उसके साथ मजे से बैठकर ड्रिंक करता है, और तो और उसने उसके लिए वही चॉकलेट्स भी खरीदी हुई थी जो कि उसने सालों पहले एक दफा उसे गिफ्ट की थी। यहाँ पर वो जून उसे ऑफर भी करता है कि हमारी जून हंग लॉ फर्म तुम वो ज्वाइन भी कर सकती हो, तुम कब से लीगल सर्कल में आई ही नहीं हो। एक्चुअली उसकी लगता है कि शादी हो गई थी और शादी के बाद प्रॉपर्टी को लेकर उसके और हस्बैंड का काफी झगड़ा हुआ था, जिसकी वजह से वो सोशल मीडिया में और न्यूज में भी रही थी, लेकिन इसी वजह से लोग उसके बारे में बहुत बुरा बोलते थे। वो जो उन कहता है कि मुझे इस सब की कोई परवाह नहीं थी, जब तुम्हारे डिवोर्स के टाइम पर लोग तुम्हारे बारे में ऐसे कमेंट्स करते थे तो मैं उस हर कमेंट करने वाले को रिपोर्ट किया करता था। ये सब सुनकर चेंगशी को काफी खुशी होती है, लेकिन वो कहती है कि प्लीज मेरी सिस्टर को याओ को पता ना चलने देना, वरना अगर उसे पता चला कि मेरे लिंक्स की वजह से उसे वहां पर जॉब मिली है तो वो बहुत हर्ट होगी।
वो जो ज्यादा ड्रिंक नहीं कर सकता था और अब वो ड्रंक हो जाता है। यहाँ पर चैंगशी को उसे वापस उसके घर तक लेकर आना पड़ता है। अब यहाँ पर ड्रंक होकर वो चैंगशी के सामने अपने दिल की हर बात कह देता है और बताता है कि अगर उस दिन मैं कॉलेज में बेहोश ना हुआ होता तो मैं पूरा मन लगा कर आया था तुम्हें प्रपोज करने के लिए, और आज भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए वही जगह है जो इतने सालों पहले थी। वो ये भी कहता है कि तुम्हें तुम्हारे एक्स हस्बैंड ने कितना बुली किया, मैं इतना पावरफुल हो चुका हूँ, मैं उससे भी रिवेंज ले सकता हूँ और तुम्हें भी प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, प्लीज मुझे कंसीडर करो। अब वो उसे एक किस करता है और बेहोश हो जाता है। अब उसके बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं। वो अपने बेड में लेटा हुआ था। वो जैसे ही उठता है तो सोचने लगता है मुझे यहाँ वापस कौन लेकर आया होगा। फिर उसे याद आता है कि मैं तो ड्रिंक कर रहा था चैंगशी के साथ, ऑफ कोर्स वो ही लाई थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ था ये सब उसे कुछ याद नहीं आता। हाँ, लेकिन उसे अपने बेड में एक हेयर नजर आता है जो कि उसके हेयर से ज्यादा लंबा था। उसे यकीन हो जाता है कि ये चैंगशी का ही था। अब वो उसे पिलो को हक कर लेता है और सोचने लगता है कि कल रात मेरी ड्रीम नाइट थी, लेकिन मैं कितना उल्लू हूँ मुझे कुछ भी याद नहीं। लेकिन उसके साइड टेबल पर कुछ पैसे भी पड़े थे। उसे समझ नहीं आ रही थी कि ये सब क्या है। तो अब नेक्स्ट मॉर्निंग वो जो ऑफिस में बैठा हुआ था अपना मुंह छुपा के, और साथ ही साथ वो चियान को सारी स्टोरी भी बताता, कहता है कि कल की रात लगता है कि मैंने अपने क्रश के साथ स्पेंड की थी लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं। वो बताता है कि मेरी साइड टेबल पर 500 भी पड़े हुए थे। ये सुनकर चियान हंसने लगता है और कहता है कि ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ होगा जो तुम्हें याद करने की जरूरत है, एक्चुअली तुमने अपनी बॉडी सेल की है 500 के बदले। अब ये सुनकर वो जो उसे ब्लैकमेल करने लगता है कि मैं सबको तुम्हारे इंसोम्निया के बारे में बता दूंगा। तो आगे से चियान बोलता है कि मैं अभी के अभी अपने स्टेटस पर लगाता हूँ वो जो उनका स्कैंडल, और वो भी 500 के बदले। अब वो दोनों फ्रेंड्स एक दूसरे से फोन छीन रहे थे कि यहाँ पर याओ भी उनको देख लेती है और काफी खुश होती है। उसे नहीं लगता था कि चियान जैसे सड़ू इंसान का भी कोई इतना अच्छा फ्रेंड हो सकता है। अब हमें घर का सीन दिखाते हैं। चियान वॉशरूम में बैठा हुआ था और टॉयलेट के बाहर ही उसे नोटिस करने के लिए याओ ने भी लगता है टाइमिंग सेट की हुई थी। वो सोचती है आधे घंटे से अंदर बैठा है, कुछ तो सस्पिशियस है, लगता है इसे कॉन्स्टिपेशन का बड़ा पुराना प्रॉब्लम है। लेकिन एक्चुअली चियान को ये निराला मशवरा किसी और ने नहीं बल्कि वो जून ने दिया था कि कुछ लोगों को वॉशरूम में बैठे बैठे नींद आ जाती है, शायद तुम भी ट्राई करके देखो तुम पर काम कर जाए। लेकिन काफी देर बाद चियान को समझ आती है कि ये सारा कुछ वो जून ने उसे छेड़ने के लिए किया था। अब 40 मिनट बाद जब वो फाइनली बाहर आता है तो थोड़ा समय अपने कमरे में बिताने के बाद वो रियल में वॉशरूम जाता है यूज करने के लिए। तो देखता है तो वहां पर बहुत कम्फी सी सीट रखी हुई थी। ये देखकर वो हैरान रह जाता है। वो बाहर निकलता है, उसे लगता था या उसे बुली कर रही है, लेकिन वो कहती है कि सर ये तो आपके कंफर्ट के लिए है, अगर आपको इतना समय वॉशरूम में बिताना पड़े तो एक फ्लफी सी सीट तो होनी ही चाहिए। और तो और वो इतनी ओवर एफिशिएंट हो गई थी कि उसने अपने सर के लिए कॉन्स्टिपेशन के लिए मेडिसिन भी लेकर रखी हुई थी। लेकिन वो उसे डांटता हुआ अंदर चला जाता है कि मेरी पर्सनल लाइफ में तुमने इतना इंटरफेयर किया तो तुम्हें फाइन लगा दूंगा, तुम्हारी सैलरी काट लूंगा। लेकिन याओ भी बाज आने वाली नहीं थी। अब वो सारी रात बैठ कर केस पर स्टडी करने लगती है। उसने एक्चुअली चियान पर नजर रखी हुई थी, उसके कमरे की लाइट्स ऑन थी। वो देखना चाहती थी कि अगर उसके बॉस का कोई डार्क सीक्रेट है तो वो पता चला के ही रहेगी, जैसे बॉस ने मुझे एक दफा पकड़ा था। अब वो देखती है तो वो लेट नाइट उठकर बाहर जा रहा था, वो भी उसका पीछा करने निकल जाती है, लेकिन बॉस उससे चाह रहा था आगे था। उसे पता था कि ये मेरा पीछा कर रही है, तो वो जॉगिंग करने लगता है और उसे पार्क के इतने चक्कर लगवाता है कि बेचारी की बैंड बज जाती है। अब वो अपनी कमर पकड़कर बैठी हुई थी और डार्क सीक्रेट कोई भी उसके हाथ नहीं लगा था, और उसे इस हालत में चियान रंगे हाथों पकड़ लेता है और कहता है कि तुम मेरा पीछा कर रही थी इसलिए घर वापस चली जाओ। लेकिन वो बोलने लगती है मैं भी एक्सरसाइज कर रही थी, आपकी तरह फिट रहना चाहती हूँ। अब वो अपना सा मुंह लेकर वापस घर जाने वाली थी कि यहाँ पर चियान उसे रोक कर कहता है कि आज के बाद ना तो मेरी टॉयलेट फ्रैकिंग करना और ना ही मेरी प्राइवेसी में दखल देने की कोशिश करना। आई थिंक तुम्हें काफी सबक मिल गया होगा, और वैसे भी तुम जून हैंग फॉर्म की लॉयर हो और तुम्हारा टाइम इन फजूल कामों में जाया नहीं होना चाहिए। वो चाहती थी कि अपना एक फर्स्ट केस ले सके, और वो उसे टाइम दे देता है, कहता है कि कल 2 बजे एक पार्टी आएगी और उस केस में मैं तुम्हें अपने साथ रखूंगा। अब ये सुनते ही याओ बहुत खुश हो जाती है, उसने कुछ बहुत बड़ा अचीव कर लिया था। वेल, अब नेक्स्ट डे वो लोग एक मीटिंग के लिए रेडी बैठे हुए थे। यहाँ पर जो उनकी क्लाइंट बनकर आती है वो कोई और नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी थी, जिसके ड्रामास अक्सर शाम को या अपने घर में टीवी पर देखा करती थी। वो उसे देखते ही हैरान रह जाती है। एक्चुअली उसका एक डिवोर्स का केस था और उसी के लिए वो उनको हायर करने आई थी, और वो सेलिब्रिटी
ना सिर्फ केस को लेकर परेशान थी बल्कि उसे देखकर लग रहा था कि जैसे वो हर्ट भी बहुत है। उसके हस्बैंड ने लगता था कि उसका मिसयूज किया है। वो सिर्फ उसके फेम को यूज करना चाहता था अपने बिजनेस को चमकाने के लिए, और अब वो चाहती थी कि उसकी हर तरह की हिडन प्रॉपर्टी भी वो बाहर निकलवाए और अपना एलिमनी में और प्रॉपर्टी में बराबर बराबर का हिस्सा ले। अब जाओ अपना पहला केस मिलने पर इतनी खुश थी कि आज वो जाती है और अपनी बैल्कनी को बहुत सारी चीजों से सजा देती है जो कि वो खुद शॉपिंग करके लाई थी। अब यहाँ पर वो उसी केस को स्टडी करने लगती है। अब थोड़ी देर बाद उसे जैसे ही पता चलता है कि चियान कर वापस लौटा है तो वो तुरंत ही भागती हुई उसके पास जाती है और पूछने लगती है कि सर मुझे कुछ बातें समझ नहीं आई, क्या मैं आपसे एक स्टूपिड क्वेश्चन कर सकती हूँ? और वो फौरन इनकार कर देता है, कहता है कि ऑफिस आवर्स में करो तो यस करूँगा लेकिन अभी बिल्कुल नहीं। क्योंकि चियान को लगता था कि उसका एक एक मिनट कीमती है और वो मिनट मिनट के चार्जेस भी लिया करता था जो कि ऑफकोर्स याओ अभी अफोर्ड नहीं कर सकती थी। अब वो अपने कमरे में जाता है और जाकर अपना काम करना स्टार्ट कर देता है, जबकि बाहर याओ वो कुकिंग करने लगी थी। और आज काफी दिनों बाद कुकिंग करते हुए वो वही सॉन्ग गुनगुनाने लगती है, और वो जैसे ही सॉन्ग सुनता है उसे लगता है कि फिर से नींद आने लगी थी। अब वो पहचान गया था कि एक्चुअली हाउस चोर्स में कोई भी राज नहीं रखा हुआ, ना इसकी कुकिंग ना ही सफाई से किसी चीज से फर्क पड़ता है। मुझे अगर किसी चीज से नींद आती है तो ये इसका गाना है जो कि मेरे लिए लोरी का काम करता है। अब वो जाता है और जाते ही उसे रोक देता है और कहता है कि खाना बनाना बंद कर दो और ना ही कुछ गाओ, क्योंकि अभी मैंने काम करना है, आधे घंटे बाद से तुम खाना कंटिन्यू करो बनाना और साथ में ही गाना भी। अब थोड़ी देर बाद जब उसका काम खत्म हो जाता है तो वो बाहर आता है और उसे ऑर्डर करता है कि अब खाना बनाओ और गाना भी गाओ। अब वो जैसे ही वो गाना गाती है साथ साथ खाना बनाती है तुरंत ही उसे नींद आ जाती है और वो बड़े मजे की नींद सो जाता है। अब वो सो तो गया था बहुत मजे से, लेकिन आधी रात उसकी आंख खुल जाती है और वो भी भूख की वजह से। अब वो उठता है और फ्रिज से निकाल कर वही खाना खाने लगता है जो कि बहुत प्यार से थोड़ी देर पहले याओ ने बनाया था। खाना खाने के बाद जब वो आराम से अपने कमरे में जा रहा था तो तभी वो देखता तो बेचारी अभी तक उन्ही क्वेश्चंस में उलझी हुई थी और अपने लैपटॉप के सामने ही उसकी आंख लग गई थी। उसे थोड़ी सी दया उस पर आ जाती है और वो उसे जगाता है और अपने पास बाहर बुला लेता है और वो उसे कहता है कि तुम मुझसे अपना स्टूपिड क्वेश्चन अब पूछ सकती हो जो कि तुम्हें इतना बॉदर कर रहा है। और वो अब उससे क्वेश्चंस पूछती है और वो उसके हर क्वेश्चन को उसे आंसर दे देता है। और उसे इतना सारा वैल्यूएबल नॉलेज मिला था कि वो तुरंत ही अपनी नोटबुक ले आती और बहुत सारी चीजें नोट भी कर लेती है। जबकि उधर भोजन आज हिम्मत करके शी से मिलने के लिए जाता है और तो वो उसके लिए एक गिफ्ट भी लेकर गया था, एक क्यूट सा पेट जो कि शी नहीं ले रही थी क्योंकि उसे बहुत एक्सपेंसिव लग रहा था। लेकिन यहाँ पर भोजन झूठ बोल देता है कि इसका ऑनर अब्रॉड जा रहा है और उसने मुझे दिया था कि कोई इसे अडॉप्ट कर ले इसलिए ये फ्री में है। अब वो यहाँ पर शी से पूछने ही वाला था कि उस दिन मैं ड्रंक था तो क्या हुआ था रात को, लेकिन वहीं पर ही उसे डिस्टर्ब करने के लिए कॉल आ जाती है उसके फ्रेंड चियान की जो कि उसे कहता है कि इमरजेंसी है और तुरंत ही ऑफिस पहुंचो। अब वो भागा भागा ऑफिस आता है, लेकिन आते ही उसे लगा था कि बहुत बड़ी न्यूज मिलेगी, लेकिन न्यूज क्या मिलती है कि चियान कहता है कि मुझे कल नींद आ गई थी और पता है मुझे अपने नींद आने का राज भी पता चल चुका है। अब ये सुनते ही वुजुन का काफी मूड खराब होता है कि इसने मुझे इंटरप्ट किया सिर्फ इतनी सी बात बताने के लिए। इतने में ऊपर से याओ भी आ जाती है जो कि ऑफिस में आना चाहती थी और वुजुन तुरंत ही निकल जाता है कि हाँ हमारी तो मीटिंग ओवर हुई। अब याओ उसे सारी न्यूज दे देती है, उसने जो भी इन्वेस्टिगेशन करी थी उस सेलिब्रिटी के हस्बैंड की प्रॉपर्टीज के बारे में, और ये सारी बातें वुजुन भी बाहर खड़ा होकर सुन रहा था। थोड़ी देर बाद वो अंदर आता है और कहता है देखा मैंने तुम्हारे लिए कितनी अच्छी असिस्टेंट ढूंढी, बहुत यूजफुल है। और वो दूसरे मीटिंग्स में कहने लगता है कि हाँ यूजफुल तो बहुत है लेकिन उसे नींद लाने में। अब यहाँ पर वो जन उससे इशारों में पूछने लगता है कि क्या इसे देखकर तुम्हें कभी पास्ट का कोई शैडो नजर आया? अब इस बात का क्या मीनिंग है तो हमें आगे जाकर पता चलेगा, लेकिन वो बदले में वो जन को कह देता है कि तुम बस चंगशी पर नजर रखो, मेरे पास्ट में जाने की कोई जरूरत नहीं। अब नेक्स्ट डे दोबारा से वो सेलिब्रिटी उनके ऑफिस में आती है कंसल्टेशन के लिए, और अब उसको चियान यही मशवरा देता है कि अभी तुम कुछ महीने रुक जाओ और उसके बाद तुम डिवोर्स के लिए फाइल करना, क्योंकि इन दिनों उसके हस्बैंड के लिए बहुत क्रिटिकल मोमेंट चल रहा था उसके बिजनेस को लेकर। अगर उसके बिजनेस को लॉस हुआ तो जो पैसे इसको मिलेंगे आधी प्रॉपर्टी वो भी लॉस में जाएगी, और अगर वो कुछ महीने इंतजार कर ले तो उसे बहुत ज्यादा पैसा मिल सकता है। ये सुनकर वो सेलिब्रिटी काफी दुखी हो जाती है क्योंकि उसे लगता था कि सिर्फ बात पैसे की नहीं बल्कि दिल का भी मामला है। और वो यहाँ पर बाहर जाते जाते याओ से कुछ दिल की बातें करती है क्योंकि उसे लगता था कि वो गर्ल है और उसकी बातें समझ सकती है और वो सीक्रेट भी रखेगी, ये याओ ने उससे बोला था। वो उसे बताती है कि किस तरह से जब मेरा हस्बैंड मुझे मिला था तो हम दोनों को बहुत जल्दी प्यार हो गया था और उसकी खातिर मैंने अपने कैरियर की परवाह किए बगैर बहुत जल्दी उससे शादी भी कर ली थी।
लेकिन एक्चुअली वो बहुत मीन इंसान था, उसे मेरे से कोई प्यार नहीं था। अगर उसे प्यार था तो मेरे फेम से, और मुझे शादी कर दे। उसका बिजनेस बहुत ऊपर चढ़ गया क्योंकि उसे फ्री की पब्लिसिटी मिल गई थी। उस जैसी टॉप स्टार उसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी थी, उसका बिजनेस तो ऊपर जाना ही जाना था। लेकिन इन दी एंड उसे बहुत देर से समझ आई थी कि उसके हस्बैंड के हिडन मोटिव्स क्या थे। और उस सेलिब्रिटी की ये कहानी सुनने के बाद उसे अपने सिस्टर चांगशी की याद आ जाती है। उसने भी डिवोर्स ली थी क्योंकि उसके हस्बैंड ने उसके साथ चीट किया था। अब थोड़ी देर तो वो सैड बैठी रहती है और उसके बाद शी को कॉल करती और कहती है कि इस वीक हम दोनों सैर करने के लिए जाएंगे। अब शाम को जैसे ही चियान छुट्टी करता है तो वह जाते हुए याओ से भी कहता है कि इतना काम ना किया करो, आई थिंक तुम्हें भी छुट्टी कर लेनी चाहिए, वर्क में और रेस्ट में तुम्हें बैलेंस रखना चाहिए। अब वो भी छुट्टी लेकर तुरंत ही उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ती है। लेकिन यहाँ पर उन दोनों को देखकर एक कोलीग को थोड़ा सा शक हो रहा था क्योंकि आज से पहले चियान ने किसी भी वर्कर की इतनी परवाह नहीं की थी। एक्चुअली चियान आज जल्दी रेस्ट करना चाहता था, इसीलिए उसे जल्दी छुट्टी करा कर लेकर जा रहा था। कहता है कि घर पहुंचो और मेरे लिए खाना बना, और आज उसे एक नई ऑफर भी देता है। कहता है कि हर मील के बदले मैं तुम्हें दो स्टूपिड क्वेश्चंस करने का मौका दूंगा। और ये सुनते ही याओ बहुत खुश हो जाती है और वो साथ ही साथ एक क्लॉज नंबर 250 ऐड कर देता है उनके कॉन्ट्रैक्ट में और कहता है कि तुम जब भी रात का खाना बना रही होगी तुम्हें साथ में गाना जरूर गाना होगा। अब वो उससे वजह तो पूछती है लेकिन आंसर उसे शट अप में मिलता है। हमें दिखाते हैं कि याओ और चियान दोनों इकट्ठे बैठे डिनर कर रहे थे और यहीं पर ही डिनर करते हुए याओ उससे इजाजत लेती है कि क्या मैं इस नए केस के बारे में आपसे कुछ डिस्कशन कर सकती हूँ, मेरे माइंड में कुछ क्वेश्चंस हैं। अब यहाँ पर जब वो चियान से बातें कर रही थी तो उसे रियलाइज होता है कि जैसे याओ का इस केस के साथ कुछ संबंध बन चुका है। उस एक्ट्रेस बाय के साथ लगता है कि इसे कोई इमोशनल अटैचमेंट हो गई है। वो उसे बोलने लगता है कि ये चीज बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं है, हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स लाइफ में आएंगे लेकिन वो इनोसेंट है या उनके साथ जुल्म हुआ था इस बात से हमारा लेना देना कोई नहीं है। और वैसे भी तुम्हें कैसे लगता है कि उसका हस्बैंड बहुत बुरा इंसान था? क्या तुमने उनकी लाइफ के अंदर घुसकर उनको देखा है? तुम उनको नहीं समझ सकती, हर कोई अपनी जगह पर ठीक ही काम करता है। अगर तुम किसी केस के साथ सेंटिमेंटल हो गई तो इस तरह तुम अनप्रोफेशनल हो जाओगी और ये मैं तुम्हें सजेस्ट नहीं करता। वो इस बारे में डांटते हुए काफी रूड भी हो गया था। यहाँ पे बिजाई याओ का मूड काफी खराब हो जाता है और वो चुपचाप वहां से उठकर चली जाती है। उधर वो जून को पता चलता है कि चेंगशी और उसकी सिस्टर वो दोनों कल एम्यूजमेंट पार्क सैर करने के लिए जा रही हैं, तो उसके माइंड में भी एक शैतानी आइडिया आ जाता है। वो चाहता था कि याओ की जगह चेंगशी का साथ मैं दूं उस पार्क में, तो वो तुरंत ही मिलने के लिए जाता है चियान से जो कि आर्चरी खेल रहा था। वो उसे कहता है कि कल लॉयर्स एसोसिएशन की मीटिंग है और इस इवेंट में आई थिंक तुम्हें जाना चाहिए। ऑल्दो चियान कहता है कि तुम अच्छे से जानते हो मैं ऐसी जगहों पर जाना बिल्कुल पसंद नहीं करता, इसके कौन से पैसे मिलते हैं। अब वो जून भी बहुत स्मार्ट था, वो जानबूझकर कहता है कि लॉयर्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट जैंग वो कह रहा था कि हमारी फर्म से लाजमी किसी को आना होगा क्योंकि फ्यूचर में होने वाली अप्रोचेस को लेकर बहुत यूजफुल हो सकता है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना याओ को वहां भेज दूं। और जैसा कि चियान अच्छे से जानता था कि याओ बिल्कुल सीधी सादी सी लड़की है, जबकि प्रेसिडेंट उसको वहां पर एक शोपीस बनाकर यूज ना करे, इस बात को लेकर वो काफी इनसिक्योर फील करता है और उससे कहने लगता है कि ठीक है पहली दफा तुम्हारे बार बार कहने पर मैं मान जाता हूँ, कल मैं चला जाऊंगा। लेकिन साथ ही साथ वो जून कहता है कि नहीं नहीं वहां पर एक फीमेल और एक मेल दोनों लॉयर्स को जाना होगा, इसलिए याओ को भी साथ लेते जाना। अब जब याओ घर आती है तो उसके हाथ में एक बुके था जो देखते ही चियान को लगता है कि शायद ये मेरे लिए लेकर आई है, लेकिन वो कहती है नहीं कुछ गलत मत सोचना, मैं इसे घर को डेकोरेट करने के लिए लाई हूँ। अब यहाँ पर चियान उसे बताता है कि आज लॉयर्स एसोसिएशन का एक इवेंट है और 9 बजे हमें वहां जाना होगा। अब याओ की तो अपने सिस्टर के साथ अपॉइंटमेंट थी लेकिन वो सोचने लगती है कि ऐसा मौका बार बार कहाँ मिलेगा, ये अपॉर्चुनिटी इतने बड़े इवेंट में जाने की मुझे हाथ से नहीं गंवानी चाहिए। अब वो अपनी सिस्टर को कॉल कर देती है और वो जो अम्यूजमेंट पार्क के बाहर उसका वेट कर रही थी अफकोर्स ये सुनकर एक दफा निराश तो होती है लेकिन एक फोटो बनाकर वहां से निकलने की करती, उससे पहले ही वो जो उसकी सेल्फी के अंदर एंटर हो जाता है और यही तो उसका प्लान था। वो जानबूझकर याओ और चियान को उस इवेंट में भेज देता है और खुद उसके साथ आज का दिन बिताना चाहता था। जबकि दूसरी तरफ हमें चियान और याओ को दिखाते हैं। चियान तो उस पार्टी में बिल्कुल इस तरह से खड़ा हुआ था जैसे फिश आउट ऑफ वाटर हो, वो शायद इस तरह के इवेंट से पहले कभी नहीं जाता था और ना ही उसे पसंद था। एक्चुअली चियान को ज्यादा गुस्सा उस वक्त आता है जब उसे पता चलता है कि ये कोई प्रोफेशनल इवेंट नहीं है बल्कि सिंगल लॉयर्स का आपस में मैच मेकिंग इवेंट है। ये देखते ही वो कॉल तो करता है वो जो उनको गालियां देने के लिए लेकिन उतना ही कॉल काट लेता है कि सिग्नल बहुत बैड है। अब सबसे पहले तो वो कहते हैं कि मेल और फीमेल आमने सामने बैठेंगे और थोड़ा टाइम एक दूसरे से बातें करेंगे।
और एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर बहुत सी गर्ल्स की नजर वहाँ के सबसे फेमस लॉयर चियान पर पड़ी हुई थी। अब कुछ गर्ल्स आती हैं बारी बारी और उससे पूछने की कोशिश करती हैं कि वो किस तरह की गर्ल्स में इंटरेस्टेड है, और चियान इतना सड़ू था कि जो लड़की उसके सामने बैठी होती थी वो हमेशा उसके अपोजिट क्वालिटीज बता देता था। छोटे बालों वाली को कह देता है कि मुझे लंबे और घने बाल पसंद है जो कि कभी वो छोटे ना कराए। गोल फेस वाली को ओवल और मोटी लड़की को पतली की पहचान बता देता था अपने आइडियल को लेकर। बस इसी तरह से वो बहुत से छोटे छोटे दिल तोड़ता चला जा रहा था एक ही लाइन में। और तो और, वो एक क्वेश्चन के आंसर में ये भी कह देता है कि मेरा यही सबसे बड़ा सपना है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ओवर टाइम करूँ। अब अपने इसी तरह के सड़ू सड़ू से आंसर्स की वजह से वो उस पार्टी में काफी अनपॉपुलर हो गया था। और तो और उसकी शिकायत वो जोन को भी लग गई थी और वो उसे कहता है कि प्लीज थोड़ा सा धीरज रखो, हमारी जून हंग फर्म का इमेज ना खराब कर देना, इसलिए थोड़ा सा पोलाइटली बोला करो। और अब की बार चियान उससे कहता है कि सिग्नल बहुत बैड है, मुझे कोई आवाज नहीं आ रही। वेल, अब इसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी ये थी कि उन लोगों ने रोइंग कॉम्पिटिशन करना था। अब इसके लिए दो दो लोगों की टीम बनेगी। यहाँ पर याओ के साथ भी कोई लड़का आकर टीम बनाना चाहता था, लेकिन तुरंत ही चियान उसे अपने पास बुला लेता है और कहता है कि तुम मेरे साथ टीम बनाओगी। याओ इनकार करती है कि हमें किसी और फर्म के साथ इंटरेक्ट करना चाहिए, लेकिन वो कहने लगता है कि लगता है तुम्हें अपना ईयर एंड बोनस नहीं चाहिए। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि याओ बेचारी चप्पू चला चला के अपने हाथों को थका रही थी, जबकि हमारा हीरो बिल्कुल किसी राजा की तरह सामने बैठा हुआ था। अब याओ यहाँ पर उसे फिजिकल एक्सरसाइज के गुण बताने लगती है कि इस तरह से आप बहुत मैस्कुलाइन हो जाएंगे सर, प्लीज थोड़ी सी एफर्ट आप भी लगाएं। लेकिन चियान का कहना था कि इस तरह के फजूल कंपटीशन अगर मैं हार भी जाऊं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कौन सा कोई केस है। अब यहाँ पर याओ उसे कुछ कह भी नहीं सकती थी, लेकिन अचानक से उसके हाथ से चप्पू छूट जाता है। अब वो ये चप्पू उठाने के लिए आगे बढ़ती है, चियान को लगता है कि ये गिर जाएगी, वो तो पीछे हट जाती है। बेचारा चियान सीधा पानी में जा गिरता है। अब वो ऐसे हाथ पैर मार रहा था कि जैसे उसे स्विमिंग ना आती हो, फिर भी अपने बॉस को बचाने के लिए याओ पानी में कूद जाती है। अब उसे अपने बॉस से काफी सारी डांट भी पड़ती है, और उसके बाद दिखाते हैं कि वो दोनों भीगी बिल्ली बनकर एक साइड पर बेंच पे बैठे हुए थे। याओ को लगता था कि मेरी जान बचाने के लिए बॉस ने अपनी कुर्बानी पेश की है, लेकिन उसका कहना था कि ये सपने दिन में देखना बंद करो, ऐसी कोई बात नहीं। और इसके साथ ही वो याओ को ऑर्डर देता है कि यहाँ पर करीबी कोई होटल तलाश करो। ये सुनते ही याओ खुद को कवर करते हुए कहती है कि नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। तो चियान उसे कहने लगता है कि चाहे तुम मेरे लिए अंडरग्राउंड क्यों ना चली जाओ, ऐसा नहीं होने वाला जो तुम सोच रही हो, मैं कपड़े चेंज करने की बात कर रहा हूँ। जबकि उधर वो जून को दिखाते हैं, वो एक भूत बंगले में जाते हुए डर रहा था, लेकिन ये बात चैंगशी को करते हुए शर्मा भी रहा था। लेकिन चैंगशी उसकी मानने वाली नहीं थी, तो वो बेचारा भी कांपती टांगों से उसके पीछे पीछे चलने लगता है। वो एक्टिंग तो ऐसे कर रहा था कि जैसे चैंगशी की सुरक्षा करने के लिए आया है, लेकिन जब भी कोई मुसीबत देखता था तो कस के उसके हाथ पकड़ लेता था। और जब वो बेचारा उस भूत बंगले से बाहर निकला था जिंदा सलामत, तो उसकी हालत कुछ इस तरह की थी कि जैसे बहुत बड़ा शौक झील के बाहर निकला हो। अब यहाँ पर चैंगशी उससे कहती है कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत गॉसिप सुनी है, लोग कहते हैं कि तुम अपनी फीमेल क्लाइंट्स में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो। लेकिन वो आगे से कहने लगता है कि ये सब मेरे बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिसकंसेप्शन है, और जो कुछ भी हमारे बीच उस रात को हुआ था मैं उसके लिए जिम्मेदारी लेने को भी तैयार हूँ। अब इससे पहले कि उस रात का पोल खुल, और उससे पहले ही उसे चियान की कॉल आ जाती है जो उसे कहता है कि मेल और फीमेल दोनों का एक एक सूट लेकर आओ। पास खड़ी चैंगशी भी सारा कुछ सुन रही थी, और जब वो सुनती है कि ये लड़की के कपड़े खरीदने जा रहा है तो पता नहीं क्या क्या सोचने लगती है। अब वो जून भी शॉक में खड़ा हुआ था, उसे समझ नहीं आ रही थी कि चियान ने ऐसा कौन सा काम किया है कि उसे लड़की के भी कपड़े चाहिए और अपने भी। तो अब वो चैंगशी से सॉरी करता हुआ वहां से निकल जाता है कि मैं तुम्हें नेक्स्ट टाइम एक्सप्लेन कर दूंगा, प्लीज मेरे बारे में गलत मत सोचना। अब पहले तो याओ खुद को फ्रेश करके एक बाथरूम में बाहर निकलती है, और उसके बाद जब चियान अंदर जा रहा था तो वो उससे कहती है कि सर आप इतने शर्माते हुए जा रहे हैं, मुझे नहीं अंदाजा था कि आप जैसा बंदा इतना शर्मीला होगा। अफसोस तो उसे इस बात का था कि वो उसे इस नजर से देखता था कि जैसे वो कोई लड़की नहीं बल्कि एक ठरकी लड़का हो। अब जैसे ही वो जून उस होटल कमरे के बाहर आता है तो चियान सबसे पहले तो याओ को पकड़कर वॉशरूम में बंद कर देता है और कहता है कि मैं खुद ही ये डिलीवरी लूंगा। जबकि वो जून अंदर आते ही चियान पर चिल्लाने लगता है कि तुमने उस मासूम सी याओ याओ के साथ क्या कर दिया है, और याओ भी बाहर निकल आती है। चियान का कहना था कि मेरा टेस्ट इतना भी बुरा नहीं। अब ये सुनकर तो याओ को भी अपनी इंसल्ट फील होने लगती है, वो कहती है कि इसी बिलो द स्टैंडर्ड लड़की नहीं आपकी जान बचाई है, और बस उनकी लड़ाई स्टार्ट। वो जून बहुत मुश्किल से उन दोनों को शांत कराता है, और उसे पता चलता है कि वो सिर्फ पानी में गिर गए थे। अब यहाँ पर बेचारे चियान की हालत भी थोड़ी खराब थी, उसे फ्लू भी हो गया था। और फिर नेक्स्ट डे ऑफिस में ना सिर्फ चियान को कोल्ड था बल्कि उसके साथ साथ ही याओ को भी फ्लू हो चुका था।
अब शाम को वो घर में बैठी अपनी जिंजर टी इंजॉय कर रही थी अपने गोल्ड के लिए, तो ऊपर से चियान आता है उसे भी ऑफर करा देती है। पहले तो वो इनकार करता है, फिर थोड़ी देर बाद यस बोल देता है, लेकिन तब तक वो अपनी टी खत्म कर चुकी थी। अब यहाँ पर वो दोनों बैठे अभी बातें कर ही रहे थे कि इतने में घर के बाहर से किसी लड़की की आवाज आने लगती है, जो कि बार बार चियान को बुला रही थी। ये सुनते ही चियान का मूड खराब हो जाता है, कहता है कि इसे इग्नोर करो, लेकिन याओ जान जाती है कि लगता है आपकी एक्स गर्लफ्रेंड है। अब याओ तो बाज आने वाली नहीं थी, वो जाती और तुरंत ही दरवाजा खोल लेती है। वो देखना चाहती थी कि ये लड़की कौन है, कैसी दिखती है। जबकि उसी टाइम पर चियान अपने एक्स को मैसेज कर देता है कि प्लीज मेरी गर्लफ्रेंड को डिस्टर्ब ना करना, हम दोनों लिविंग रिलेशनशिप में हैं, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। जबकि वो लड़की जब याओ पर चिल्ला रही थी तो याओ से बार बार कहती कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों रिलेशनशिप में नहीं है, हाउसमेट्स हैं। लेकिन वो कहने लगती कि मुझे सारी हकीकत पता है, मुझे चियान ने खुद बता दी है। अब यहाँ पर वो गर्ल डोंग उसे यही कहने लगती है कि उसकी तुमसे शादी तो नहीं हुई ना, इसलिए अभी तक भी मौका मेरे हाथ में है, मैं एंड तक फाइट करूंगी और मैं डोंग चियान को अपने हाथ से निकलकर किसी के हाथ में नहीं जाने दूंगी। वो उसे वार्निंग देती हुई वहां से निकल जाती है, जबकि याओ बस यही सोचती रहती है कि ये क्या कहकर चली गई। अब याओ चियान से पूछने लगती है कि आपने उसे क्यों गलत मैसेज किया, मैं तो आपकी गर्लफ्रेंड नहीं। तो वो कहता है क्योंकि मुझे पता था जिस काम से मैंने तुम्हें मना किया है दरवाजा खोलने से, वो तुमने जरूर खोलना है। यहाँ पर चियान कहने लगती है कि अच्छा तो मुझे अब समझ आई कि आप इतने छोटे से घर में मेरे साथ शेयरिंग क्यों करके रहते हैं, आप इस लड़की को अवॉइड कर रहे थे, लेकिन अब तो इसको यहाँ का भी पता चल गया है। लेकिन आगे से चियान कहता है कि ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे एक क्लाइंट की बेटी है जो कि मुझे परसू कर रही थी, मैंने इसे रिजेक्ट किया पर मुझे चिपक ही गई है, जान ही नहीं छोड़ती। और चियान ये भी बताता है कि मेरा एक बहुत बड़ा विला है लेकिन यहाँ से बहुत दूर है, इसलिए मैंने अपनी फर्म के करीब एक घर लिया है। याओ को लगता था कि अगर इस लड़की से बचने के लिए यहाँ पर रह रहा था तो अब तो रहने का कोई मतलब नहीं बनता, वो ये जगह का पता जान चुकी है। अब याओ को शक होने लगता है कि कोई तो वजह है कि मेरा बॉस यहाँ पर रहने को बार बार इंसिस्ट कर रहा है। अब एक दिन याओ कुछ डॉक्यूमेंट्स चेक कर रही थी तो उसे पता चलता है कि अंदर एक साइकेट्रिस्ट की भी फाइल है जिसके साथ उन्होंने कुछ लेन देन में रिफंड किया हुआ था। अब इसी बारे में वो चेक करने के लिए उसको कॉल करती है तो पता चलता है कि एक्चुअली चियान उसी साइकेट्रिस्ट से अपने इंसोमनिया की बीमारी का इलाज करा रहा था। और वो कहता है कि अब मैं तुम्हारे बॉस का इलाज नहीं करूंगा, इसलिए मुझे दोबारा कॉल ना करना, वो मेरी इंसल्ट करके गया था। उसी टाइम पर चियान आता है और उससे कहता है कि मेरे लिए खाना बनाओ और गाना भी गाओ। और यहाँ पर उसे सारी समझ आ जाती है कि एक्चुअली मेरा यही खाना बनाना और गाना इसके लिए लोरी का काम करता है, मैं इसके लिए एक हाइपनोटिक ड्रग बन चुकी हूँ। और ये बात उसे आज कंफर्म भी हो जाती है, जब खाना बनाकर वो कमरे में पहुँचती है तो वो सो चुका था, हमेशा से ऐसे ही होता था। अब नेक्स्ट मॉर्निंग चियान उठता है और किसी बात को लेकर उस पर गुस्सा करने लगता है, लेकिन याओ आज बहुत चिल मूड में थी क्योंकि ऑफ कोर्स उसे अपने बॉस का वो डार्क सीक्रेट पता चल चुका था जो कि वो काफी दिनों से जानना चाहती थी। अब ऑफिस में भी कुछ लोग गॉसिप्स कर रहे थे और एक तो याओ के पास आकर कहने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कुछ दिनों से हमारे बॉस काफी बदले बदले से हैं, और एक दो दफा तो वो एक मीटिंग के लिए भी लेट हो गए थे, इतनी गहरी नींद तो वो पहले कभी भी नहीं सोए थे। ये सब सुनने के बाद याओ बस एक मिस्टीरियस स्माइल दे देती है। अब उसके बाद हमें दिखाते हैं कि आज चियान से मिलने के लिए कोई आता है और वो उसी सेलिब्रिटी का हस्बैंड था जिसका नाम मिस्टर शू था। वो अपने लॉयर के साथ वहाँ पर आया था उनसे सेटलमेंट पर डिस्कशन करने के लिए। वो कहता है कि मैं उसे पूरी पूरी एलिमनी देने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि हम लोग न्यूज में आए और उस वजह से सेलिब्रिटी बाय का इमेज खराब हो। अब जो कुछ वो अपनी वाइफ को ऑफर कर रहा था उस लेटर में लिखा हुआ था। जैसे ही चियान वो लेटर देखता है वो कहता है यह तो ये सेटिस्फैक्ट्री, लेकिन फिर भी हम ये एक्सेप्ट नहीं करने वाले। जबकि मिस्टर शू की ये डिमांड थी कि उनका ये इशू कोर्ट में जाए बगैर ही बाहर ही सॉल्व हो जाए। अब नेक्स्ट क्या होगा ये देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। Thank you for watching. Bye-bye.